तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम गोरख जी, गुड इवनिंग चंदन जी, तनुश्री शर्मा जी, विनोद जी, अनुज भाई, विनोद जी, सभी लोगों को गुड इवनिंग गाइस। प्लीज़ एक बार कंफर्म करा दो आवाज़ ठीक तरीके से आ रही है ना, वॉइस ठीक है, और पिक्चर क्वालिटी जो आपको स्क्रीन पे ऑन स्क्रीन क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो क्लियरली दिखाई दे रहा है। प्लीज़ गाइस एक बार फोन कर दो सभी लोगों को, गुड इवनिंग एंड वेलकम। आज के सेशन में जहाँ पे हम बात करने वाले हैं आपके साथ में आधुनिक भारत के इतिहास टॉपिक पर, प्लीज जरा से एक बार आप लोग बता दीजिए कि आवाज ठीक तरीके से आ रही है या नहीं। अच्छा, विनोद जी लिख रहे हैं कि क्लियर है सब कुछ, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ में हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी, श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बेंगलुरु या फिर भाग्यनगर। क्वेश्चन नंबर एक, सारे लोग आंसर लिखे। सरस्वती आर्य जी गुड इवनिंग, विनोद जी कह रहे हैं क्लियर है, थैंक यू सो मच विनोद जी। गाइज बताना आपको ये है कि टीपू सुल्तान की राजधानी थी वो क्या थी, श्रीरंगपट्टनम थी, मैसूर थी, बेंगलोर थी या फिर भाग्यनगर थी, क्या थी टीपू सुल्तान की कैपिटल। चंदन जी ने लिख करके भेजा ए श्रीरंगपट्टनम, चंदन जी कह रहे हैं कि श्रीरंगपट्टनम जो थी वो टीपू सुल्तान की राजधानी हुआ करती थी। श्वेता सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है, इन्होंने वन में बी लिख करके भेजा हुआ है। अच्छा, कहना वन में बी होगा, ठीक है, ओके। सरस्वती जी भी वन में बी लिख रहे हैं, गोरख जी वन में बी लिख रहे हैं कि टीपू सुल्तान की राजधानी मैसूर हुआ करती थी। ऐसे कैसे भाई, इसके बाद में चंदन जी गुड इवनिंग, विनोद जी बी लिख रहे हैं, भावना बिस्ट बी लिख रहे हैं, अतुल शर्मा जी लिख रहे हैं कि ए होगा इसका सही, और राम प्रताप जी भी ए लिख रहे हैं। टीपू सुल्तान की कैपिटल में आप लोग कंफ्यूज हो गए भाई हैं। ऐसी उम्मीद मुझे बिल्कुल नहीं थी भाई कि आप लोग टीपू सुल्तान की कैपिटल में कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन हो गए। चलिए, टीपू सुल्तान गाइस जो आपका था वो शासक मैसूर के हुआ करते थे, लेकिन इनकी जो कैपिटल थी वो थी श्रीरंगपट्टनम। तो क्वेश्चन नंबर एक का सही जवाब, अमन चामोली साहब स्वागत है आपका, और सही जवाब है ऑप्शन ए कि टीपू सुल्तान की जो कैपिटल है वो श्रीरंगपट्टनम हुआ करती थी। आधुनिक भारत के इतिहास में जो आपका मैसूर दिखाई देता है, मैसूर में क्या होता है कि वहां पर जो आपका पहले हैदर अली होता है, फिर हैदर अली का बेटा होता है टीपू सुल्तान, और इनकी कैपिटल गाइज क्या हुआ करती थी, इनकी कैपिटल हुआ करती थी श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है भाई, बिल्कुल। हाँ, पूजा यादव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है पूजा यादव जी आपका कि टीपू सुल्तान की जो कैपिटल है वो श्रीरंगपट्टनम हुआ करती थी। हाँ अंकित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये सही जवाब होगा श्रीरंगपट्टनम, टीपू सुल्तान की जो थी कैपिटल वो श्रीरंगपट्टनम हुआ करती थी। गाइस कोई बता सकता है कि जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसके बाद में कौन सी संधि हुई थी, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद में कौन सी संधि हुई थी, आपको ये बताना है। इस क्वेश्चन पे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, चर्चा इस क्वेश्चन पे हो चुकी है तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध पर। वहां पे मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई हुई थी कि कैसे तीनों आंग्ल मैसूर युद्धों की जो संधियां हैं वो आप याद रख सकते हैं, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया था कि आपको तीनों जो संधियां हैं वो याद रहेंगी। अली नगर घनश्याम जी लिख रहे हैं, अच्छा भाई, श्रीरंगपट्टनम की संधि, सरस्वती आर्या जी लिख रहे हैं कि श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। बाकी लोग भी जरा सा बताइए कि जब तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ इसके बाद में, हाँ मामा श्री देखे सरस्वती जी बता रहे हैं, अरे सुजाता जी वेलकम एंड गुड इवनिंग टू यू, बिल्कुल हेलो और स्वागत है आपका। तो जो टीपू सुल्तान की गाइज हमारी कैपिटल थी वो श्रीरंगपट्टनम थी। मैंने पूछा है कि जो तीसरी संधि हुई है हमारी आंग्ल मैसूर युद्ध में, मैंने एक ट्रिक बताई है मामाश्री, ठीक है, मामाश्री अगर आप याद रखोगे तो ट्रिक आपको उससे याद रहेगा। हाँ गोरख भाई, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, पहला मास हो जाएगा आपका मद्रास, दूसरे मास हो जाएगा मंगलुरु, और तीसरे जो श्री है उससे हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। तो मामा श्री याद रखोगे तो आपको ट्रिक याद रहेगी कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, और तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में फिर हमारा क्या हुआ था, वही तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू लड़ते हुए मारा गया था। भावना बिस्ट जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, हाँ जी बिल्कुल, श्रीरंगपट्टनम जो टीपू सुल्तान था इसकी जो कैपिटल थी वो श्रीरंगपट्टनम हुआ करती थी। हाँ जी मामा श्री याद रखना है, नहीं हम सर मामा श्री नहीं है अमन भाई, हम मामा श्री नहीं है, आपके अपने मामा श्री। क्वेश्चन नंबर टू, लॉर्ड क्लाइव को, हाँ मामा श्री पूजा यादव जी बहुत अच्छे भाई, पूजा जी बहुत अच्छे, मामा श्री ट्रिक याद रखना तो आपको याद रहेगा, ठीक है, मद्रास, मंगलुरु और श्रीरंगपट्टनम आपको हमेशा याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं आप।
क्वेश्चन नंबर टू, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? जो आपका रॉबर्ट क्लाइव होता है, इसको बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? 1765, 1757, 1758 या फिर 1759? पूजा जी ने लिखा है कि ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन टू में। देखते हैं भाई सही जवाब क्या होता है। ट्रिक के लिए मैं आपको इतना बता सकता हूं कि इसको आपका जो प्लासी का युद्ध हुआ है, प्लासी के युद्ध के बाद में इसको क्या किया गया था? गवर्नर बनाया गया था। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए, प्लासी के युद्ध के बाद बनाया गया था। प्रभात कुमार जी और जो बहन है आपकी, दोनों लोगों को गुड इवनिंग। ज्योति को, दोनों लोगों को गुड इवनिंग। गोरख जी ने लिखा है भी प्लासी के युद्ध के बाद, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, इसके एक साल बाद, प्लासी के युद्ध के एक साल बाद 1758 में इसे बंगाल का गवर्नर बना दिया था। पूजा जी का जवाब एकदम राइट है भाई, कि जो इन्होंने बाद में सी लिख करके भेजा है। तो गाइस इनको क्या हुआ था, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर 1757 के युद्ध के बाद में 1758 में बना दिया गया था। हाँ विनोद भाई बिल्कुल सही जवाब है आपका। और जो पूजा यादव जी हैं, पूजा यादव जी का भी जवाब एकदम सही है कि 1758 में जो क्लाइव था इसको बंगाल का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया था। अमन चमोली साहब जवाब सही है आपका। हाँ सुजाता जी बिल्कुल 1758 ही होगा, क्लाइव को जो बंगाल का गवर्नर बनाया गया ये आपको 1758 में बनाया गया। लक्ष्मी पटवा जी ने लिखा 1758, बिल्कुल सही जवाब गाइस। जो लोग भाई नए लोग आए हो ना, लाल वाला बटन दबा लेना सब्सक्राइब वाला, तो आगे वाली क्लासेज की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। क्लासेज की जो हमारी टाइमिंग है वो हमारी वही है, दोपहर 12 बजे से एक क्लास होती है और एक लाइव क्लास आपकी शाम को 8 बजे से होती है। बाकी सारे एनसीईआरटी के वीडियोज, हाँ कुछ लोग जो नए लोग जुड़े हुए हैं एनसीईआरटी के लिए, उन लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 फिर इस टाइप से प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास वाइज, वहाँ से आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। विश्व के भूगोल के भी वीडियो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन। भावना जी मैंने आपको व्हाट्सअप पर वो प्लेलिस्ट का लिंक है वो भेज दिया है, वहाँ से आपको विश्व के भूगोल के सारे जो वीडियो हैं वो मिल जाएंगे। वहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट, इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका बहुत डिटेल से पढ़ाया है, पॉइंट वाइज तरीके से पढ़ाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इस क्वेश्चन पर बहुत चर्चा हो चुकी है आपकी, वॉरेन हेस्टिंग, कार्नवालिस, बेंटिक या फिर कैनिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल, मैंने चर्चा करते हुए सबके बारे में बताया था, पहले गवर्नर के बारे में बताया था, फिर गवर्नर जनरल के बारे में बताया था, गवर्नर जनरल एंड वायसराय के बारे में बताया था। हाँ जी ठीक है, थैंक यू भावना जी, थैंक यू। चलिए विलियम बेंटिक कुछ किसी ने लिख करके भेजा, घनश्याम जी ने, सरस्वती जी ने सी लिख करके भेजा है, काफी लोग बेंटिक वाले हैं भाई, कह रहे हैं कि जो विलियम बेंटिक था ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था। अच्छा देखना पड़ेगा भाई ऐसे कैसे, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, क्वेश्चन नंबर तीन। बिल्कुल भाई चंदन साहब लिख रहे हैं सी, लक्ष्मी पटवा जी ने लिखा है, इसके अलावा भावना बिस्ट जी ने सी लिखा है, आपका अंकित तिवारी भाई ने लिखा है कि कैनिंग जो है। अच्छा कैनिंग नहीं भाई, कैनिंग नहीं होगा, लॉर्ड कैनिंग जो है आपका क्या होता है ये, अंकित भाई आपका जो कैनिंग था ये गवर्नर जनरल एंड वायसराय था। तो भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल और पहला गवर्नर जनरल एंड वायसराय वो आपका कैनिंग था। भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो था आपका विलियम बेंटिक, ठीक है। हाँ कैनिंग फर्स्ट वायसराय, बिल्कुल वायसराय एंड गवर्नर था। दिलीप भारत माता की जय भाई, दिलीप भाई बिल्कुल वेलकम दिलीप भाई। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब होगा हमारा सी, विलियम बेंटिक, ठीक है। भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था ये आपका क्या था, ये विलियम बेंटिक था। तो विलियम बेंटिक आपका पहला गवर्नर जनरल था। मैंने जब चर्चा कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि आपका गवर्नर और गवर्नर जनरल और फिर उसके बाद में गवर्नर जनरल एंड वायसराय वो जो है आपका तीनों सेम अलग अलग मतलब है और उसका अलग अलग कैटेगरी है। गवर्नर अलग होता था, गवर्नर जनरल अलग था और गवर्नर जनरल एंड वायसराय अलग था, ठीक है। पहला गवर्नर था आपका क्लाइव, फिर गवर्नर जनरल आपका पहला बना विलियम बेंटिक और पहला वायसराय आपका बनता है कौन, तो वो बनता है कैनिंग। हाँ दिलीप जी सही जवाब होगा बिल्कुल। हाँ अंकित जी ठीक है ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ बढ़ेंगे भाई। द्वैध शासन की नीति को किसने समाप्त किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लेना, ये द्वैध शासन वाला क्वेश्चन नोट कर लेना, ठीक है। द्वैध शासन जो था, द्विस्तरीय शासन को किसने समाप्त किया, लॉर्ड माउंटबेटन, कर्जन, हेस्टिंग या फिर रिपन। पूजा यादव जी हाँ बिल्कुल थैंक यू। द्वैध शासन को किसने समाप्त किया, माउंटबेटन, कर्जन, हेस्टिंग या फिर रिपन। सुजाता जी ने सबसे पहले लिखा कि भाई चौथे में सी होगा, हेस्टिंग ने द्वैध शासन को समाप्त किया था। अच्छा उनका सपोर्ट भाई पूजा यादव जी ने किया, पूजा यादव जी सी लिख रहे हैं। इसके बाद में तनुश्री जी ने सी लिखा हुआ है, मुझे लग रहा है शायद इनका नाम तनुश्री ही है, तनुश्री शर्मा जी ने सी लिखा है। इसके बाद में मुनिद्दीन अंसारी साहब स्वागत है आपका भाई मुनिद्दीन जी। भावना बिष्ट जी ने सी लिखा, सरस्वती जी डी कह रहे हैं, रिपन कह रहे हैं। अच्छा
घनश्याम जी ने लिखा है, हेस्टिंग, अमन चामोली साहब, प्रभात जी, गोरख जी, सबने लिखा है कि वारन हेस्टिंग, द्वैध शासन गाइस जो हमारा था, द्वैध शासन को किसने समाप्त किया हुआ था, हेस्टिंग लिखा हुआ है लक्ष्मी जी ने। इसके बाद में दिलीप भाई भी हेस्टिंग लिख रहे हैं, जिसने जवाब नहीं दिया है वो लोग भी जरा सा जवाब दें कि जो द्वैध शासन था, द्वैध शासन को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ गाइज, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वारन हेस्टिंग, जो करीब करीब 99% लोगों ने दिया है कि इंडिया में जो द्वैध शासन था इसको जो समाप्त करने का हम लोग कहें कि जो समाप्त करने का श्रेय है वो वारन हेस्टिंग को जाता है। अच्छा, कोई बता सकता है कि स्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था थी वो किस गवर्नर जनरल से जुड़ी हुई है? जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था, स्थायी बंदोबस्त था, भाई 7 लोगों ने क्लास को लाइक किया है, 19 लोग देख रहे हैं क्लास को, भाई लोगों लाइव चैट काट के एक विनम्र निवेदन है, जरा सा जा करके भाई एक बार अंगूठे वाला निशान दबा दो, 19 लोग देख रहे हैं, केवल 7 लोगों ने लाइक किया, भाई थोड़ा सा दबा दोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, बाकी इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप दिल से लाइक करोगे तो वो भी बहुत अच्छा है, और अंगूठे वाला लाइक कर दोगे, 11 लोगों ने लाइक कर दिया, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, लाइक वाइक के चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़ना, टाइम मिल जाए तो कर देना, नहीं कोई बात नहीं, क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, पढ़ाई पे ध्यान लगाना है, बाकी तो सब सेकेंडरी है। सभी लोग सही दिए, हाँ गोरख जी, अच्छा, कार्निवालिस, बिल्कुल, जो आपका परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था वो रिलेटेड था आपका किससे, लॉर्ड कार्निवालिस से, बिल्कुल धर्मेंद्र जी, थैंक यू सो मच, धीरेंद्र भाई, थैंक यू सो मच। हाँ, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आपका 1793, स्थायी बंदोबस्त। अच्छा, अगर आप एक टफ क्वेश्चन है, क्रॉस क्वेश्चन, सुजाता जी एक थोड़ा सा टफ क्रॉस क्वेश्चन है, भावना बिष्ट जी बिल्कुल सही जवाब, कार्निवालिस, अगर आप लोग आंसर इसका कर पाए, एक व्यवस्था ही यहाँ पे, ये क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ है कि, अच्छा हाँ, ये चंदन भाई आपका जवाब सही है, आप कोई बता पाए अगर मुझे कि रैयत वाड़ी व्यवस्था किस, तो दो लोग थे भाई, कौन दो लोग थे, एक थे थॉमस मुनरो और दूसरे थे कैप्टन रीड। हाँ, थोड़ा सा नेट स्लो हो गया था, बफरिंग हो रहा होगा क्योंकि IPL चल रहा है ना। नहीं अनुपम भाई, मैकेंजी नहीं, यहाँ पे जो आपका थॉमस मुनरो था और कैप्टन रीड था, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, ठीक है, थॉमस मुनरो, अरे अमन भाई रोते नहीं है भाई, ऐसे थोड़ी नहीं रोते हैं, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, ये दोनों लोग थे जो रैयत वाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? क्वेश्चन नंबर 5 ये गाइस हमारा, हाँ, थॉमस मुनरो एंड कैप्टन रीड, बिल्कुल सरस्वती जी, अंग्रेजों का सबसे ज्यादा जो विरोध था वो किसने किया, राजपूतों ने, मुगलों ने, सिखों ने या फिर मराठों ने? क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा, पूजा जी ने लिखा डी, सरस्वती जी कह रहे हैं सी, अंग्रेजों का सबसे ज्यादा विरोध किसने किया, आसान सा क्वेश्चन है, अनुपम भाई कह रहे हैं मराठों ने किया, अच्छा ठीक है, मोइनुद्दीन अंसारी जी लिख रहे हैं 5 में डी, इसके बाद में धर्मेंद्र जी कह रहे हैं ए, के राजपूतों ने सबसे ज्यादा विरोध किया, ठीक है देखते हैं भाई, घनश्याम जी मराठा लिख रहे हैं, अमन जी ने लिखा है 5 में सी, गोरख जी ने लिखा है 5 में डी, तो डी वाले काफी सारे लोग हैं, और मुझे लग रहा है कि ये जो मतदान चल रहा है भाई, इस मतदान में डी वालों की संख्या ज्यादा है, कि अंग्रेजों का जो सर्वाधिक विरोध है वो मराठों ने किया था, बिल्कुल गाइस, अंग्रेजों का जो सर्वाधिक विरोध है वो किसने किया था, वो किया हुआ था मराठों ने, तो क्वेश्चन 5 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सबसे ज्यादा विरोध उन्हें मराठों से झेलना पड़ा था गाइस। अच्छा, मराठा साम्राज्य का जनक किसको माना जाता है, कोई मुझे बताएगा, जो हमारा मराठा साम्राज्य है, जो हमारा मराठा एम्पायर है, इसको क्या कहा जाता है, कि इसका जनक किसको कहा जाता है, किसको कह सकते हैं जिसने मराठा एम्पायर, इतना बड़ा एम्पायर जो था वो खड़ा किया? हाँ सरस्वती जी डी सही जवाब है, चंदन जी डी सही जवाब है कि मराठों ने किया। क्रॉस क्वेश्चन ये है कि जो हमारा मराठे थे, सॉरी सर नेटवर्क प्रॉब्लम, हाँ थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो सकता है, ये चीज मैं मान रहा हूँ, शाम में थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो सकता है, कभी कभी यहाँ पे भी नेटवर्क का इशू रहता है, कभी आपके पास में नेटवर्क का इशू हो सकता है। शिवाजी को, बिल्कुल गाइस, शिवाजी को माना जाता है, किसको माना जाता है, शिवाजी को माना जाता है, तो आपका जो शिवाजी है, शिवाजी महाराज जी जो है, इनको क्या किया जाता है, 1627 में इनका जन्म हुआ था शिवनेर में, पूना के पास में पड़ता है शिवनेर, वहां पर इनका जन्म हुआ था 1627 में, 1627 में, और शिवाजी को क्या कहा जाता है, इन्हीं को जो है हिंदू धर्मोद्धारक की उपाधि दी जाती है। हाँ लक्ष्मी पटवा जी, शिवाजी महाराज, अमन जी शिवाजी महाराज लिख रहे हैं, बिल्कुल दिलीप भाई, इसके अलावा धीरेंद्र जी, सारे लोग बिल्कुल सही जवाब है कि जो शिवाजी महाराज थे इनको क्या कहा जाता है, इनको हमारा जो मराठा का पूरा एम्पायर है इसको जो है, इसका जो जनक है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, प्रशासनिक अव्यवस्था या फिर कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? इस क्वेश्चन पे कई बार चर्चा हो चुकी थी,
जो आपका ये है नेटवर्क आजकल लक्ष्मी पटवारी शाम का सबको सबका थोड़ा सा स्लो हो जाता है, यहाँ पे भी नेटवर्क की थोड़ा सा इशू जो है नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है। कुशासन के आधार पर किसको मिला लिया गया था? डलहौजी द्वारा कुशासन के आधार अवध, उड़ीसा, बर्मा या फिर संयुक्त राज्य, संयुक्त प्रांत मतलब। जी ने लिखा है अवध, अमन भाई लिख रहे हैं ऑप्शन ए, अनुपम जी ने ए लिखा है। अच्छा ठीक है, देखते हैं भाई क्या होता है। इसके बाद में आपका गोरख जी ने ए लिखा हुआ है, इसके बाद में आपका सुजाता जी ने लिखा है अवध को, ठीक है। मोइनुद्दीन भाई लिख रहे हैं अवध को, नहीं बर्मा नहीं घनश्याम जी भाई। पूजा यादव जी ने लिखा है बी उड़ीसा को, नहीं कुशासन के आधार पर अवध का जो विलय है वो कर लिया गया था, ठीक है। अवध का जो विलय है वो कर लिया गया था। अच्छा गाइस, राज्य हड़प के नीति के आधार पर सबसे पहले किस राज्य को हड़पा गया था? सबसे पहले किस, हाँ धीरेन्द्र जी जवाब सही, धीरेन्द्र जी ने लिखा अवध, हाँ अवध बिल्कुल जवाब सही है। सबसे पहले किस राज्य को हड़पा गया था ये बताएंगे आप लोग जरा। प्रभात जी ये बिल्कुल सही जवाब है भाई, ज्योति जी की बहन जो है हमारी उसका भी जवाब सही है कि इसका जवाब जो है वो ऑप्शन ए है अवध को, ठीक है। बताइए जरा सा सबसे पहले किसको हड़पा गया था? सबसे पहले सतारा, फिर जैतपुर, फिर संबलपुर, फिर बगात, फिर झांसी, उसके अंत में सबसे लास्ट में जो है आपका पूना, ठीक है। सरस्वती जी हाँ सतारा, राम प्रताप जी सतारा लिख रहे हैं, प्रभात जी सतारा लिख रहे हैं, सुजाता जी ने सतारा लिखा है, हाँ बिल्कुल। अंकित तिवारी जी बिल्कुल सही जवाब, जो आपका सतारा था, सबसे पहले इसको सतारा को क्या किया गया था। अच्छा गाइज यहाँ पे हमें एक और संधि, हड़प की संधि के साथ में एक और संधि दिखाई देती है जो है सहायक संधि। सहायक संधि कौन लेकर के आता है भारत में? सहायक संधि लेकर के कौन आता है? जैसे डलहौजी राज्य हड़प की नीति लाता है वैसे एक हमें सहायक संधि सुनाई देती है, तो कितने लोग बताएंगे कि सहायक संधि को कौन लेकर के आया था? वो भी बड़ी चर्चित संधि रही थी। अरे तुलसा जी बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम। चंदन भाई इसका जवाब ए होगा अवध, प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़पा गया था। वारन हेस्टिंग कौन लिख रहा है भाई? अनुपम जी ने लिखा है वेले जली, मिश्रा साहब लिख रहे हैं भाई, अनुपम भाई लिख रहे हैं कि वे जली इसका सही जवाब होगा। अच्छा कार्निवालिस नहीं, राम प्रताप जी, डलहौजी, डलहौजी तो आपका हड़प की नीति लाता। पूजा पूजा यादव जी डलहौजी हड़प की नीति लाता है, जबकि मैंने इस समय इससे पूछा हुआ है कि आपका जो सहायक संधि है वो कौन लाया था। हाँ सरस्वती जी वेले जली बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कुमार वीरेंद्र जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया हुआ है भाई। कुमार वीरेंद्र जी जब भी जवाब देते हैं सही जवाब देते हैं, बिल्कुल सही जवाब। सर हमारे उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल की टिहरी कुछ इन्होंने लिखा है, मैं पढ़ नहीं पाया क्या लिखा है। सुजाता जी ने लिखा है बेले जली बिल्कुल, हाँ हाँ मैं समझ गया था, गलती से कई बार जो है नाम नहीं याद आता है उस टाइम पे। बिल्कुल तिवारी जी ने बिल्कुल सही लिखा है बेले जली बिल्कुल। सर आप इंग्लिश की क्लासेज भी कराते हैं क्या? नहीं मैं इंग्लिश की क्लास नहीं कराता हूँ तुलसा जी, मुझे खुद कोई अंग्रेजी पढ़ा दे। गोरख जी ने लिखा वेले जली बिल्कुल सही जवाब। लॉर्ड वेले जली जो है वो आपका कौन सी नीति लेकर के आता है? सहायक संधि लेकर के आता है। किसके द्वारा सबसे पहले सहायक संधि जो है उसके लिए किसको सबसे पहले मजबूर किया जाता है? सहायक संधि को सबसे पहले कौन स्वीकार करता है ये बताना है आप लोगों को। सबसे पहले किसी ने मुझे बता भी दिया था कि उन्होंने सहायक संधि सबसे पहले स्वीकार की थी, लेकिन बाकी सबसे पूछ भी ले रहा हूं कि जो सहायक संधि है सबसे पहले कौन स्वीकार करता है वेले जली के टाइम पीरियड पे? हाँ बिल्कुल सर, हमारे उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल की टिहरी रियासत कभी भी अंग्रेजों की गुलाम नहीं हुई। जिंदाबाद भाई अमन भाई जिंदाबाद। सबसे पहले किसने जो है सहायक संधि अपनाई थी? राम प्रताप जी ने कहा हैदराबाद, हैदराबाद का जो निजाम था निजामुल मुल्क चिल्किली खान, बिल्कुल सही जवाब राम प्रताप जी। हाँ अनुपम जी बिल्कुल सही जवाब, सर मेरे आंसर बहुत पहले दिया था। अच्छा भाई चंदन जी बिल्कुल मैं मान रहा हूँ आपने सर पहले दिया होगा, आप अक्सर सही जवाब देते हैं। बिल्कुल गाइज हैदराबाद जो था, हैदराबाद जो बिल्कुल सही जवाब है भाई। हाँ आठ आठ मिनट का सतारा बात, बिल्कुल सही जवाब हैदराबाद। सबसे पहले जिसने सहायक संधि को अपनाया था वो था हैदराबाद। अच्छा ये बताना है वो कौन था जिसने सहायक संधि को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया? वो कौन था जिसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया? हाँ धीरेन्द्र जी बिल्कुल सही जवाब, हैदराबाद ने सबसे पहले स्वीकार किया था। एक ऐसी रियासत थी जिनके पास में सबसे बड़ी सेना थी आपके पास में, एशिया में दूसरे नंबर पे वो आते थे सेना के मामले में, और उन्होंने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। मैंने कई बार इसके बारे में बताया है, उनके पास में मिंटो का दूत, मिंटो जो है मिंटो का दूत मेटकाफ जाता भी है कि
कि भाई आप मान लीजिए, लेकिन मिंटो के दूत मेटकाफ को मना करके लौटा देते हैं, कहते हैं नहीं करूंगा मैं। बाद में हमें फिर अमृतसर की संधि उन्हीं के साथ में दिखाई देती है। अब तो जान गए होंगे ना किसकी बात कर रहा हूं। पहचानो पहचानो मैं हूं कौन भाई। बिल्कुल सही जवाब अनुपम भाई, रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह सहायक संधि को स्वीकार करने से मना कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह क्या करते हैं ये, बिल्कुल राम प्रताप जी बिल्कुल सही जवाब, प्रभात जी बिल्कुल, महाराजा जो हमारे रणजीत सिंह होते हैं ये मना कर देते हैं सहायक संधि को स्वीकार करने से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था। इस क्वेश्चन पे चर्चा पहले हो चुकी है, मुझे उम्मीद है आप सारे लोग इसका सही जवाब देंगे कि जो हमारा आदि ग्रंथ है यानी कि जो हमारा सिखों का ग्रंथ है इसको जो है वो, हाँ रंजीत सिंह सही जवाब है, दिलीप भाई बिल्कुल। अंकिता पाठक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भाई। क्वेश्चन नंबर 8 में आपने ए जवाब दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ ध्यान देंगे, आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया, गुरु नानक, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 9, सर मेरा चैट कितना लेट पहुंच रहा है। अच्छा हो सकता है चंदन जी, थोड़ा कभी कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले पूजा यादव जी ने लिखा सी। अखिलेश मीना साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमन जी ने लिखा है सी। अनुपम भाई कह रहे हैं गोविंद सिंह। अनुपम भाई भूल गए आप, आदि ग्रंथ का संकलन मैंने पूछा किसने किया हुआ था, तीन ग्रंथों को मिला करके आदि ग्रंथ जो था उसका संकलन। बिल्कुल सही जवाब पूजा यादव जी का। एक के बाद अंकिता पाठक जी का जवाब एकदम राइट, राम प्रताप जी का जवाब एकदम सही कि गुरु गोविंद सिंह, आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था वो, सॉरी गुरु अर्जुन देव बिल्कुल सी जवाब। हाँ गुरु अर्जुन देव बिल्कुल, गुरु अर्जुन देव। हाँ प्रभात भाई बिल्कुल सही जवाब है आपका। बहन का जवाब भी भाई, ज्योति का भी जवाब सही है कि गुरु अर्जुन देव बिल्कुल। हाँ 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 अनुपम भाई बिल्कुल अर्जुन देव ने। राजकुमार जी स्वागत है आपका, बिल्कुल सही जवाब। लक्ष्मी पटवा जी का जवाब एकदम राइट है कि जो हमारा आदि ग्रंथ था, आदि ग्रंथ का जो संकलन था वो हमारा किसने किया हुआ था, तो वो हमारा जो गुरु अर्जुन देव जी थे, गुरु अर्जुन देव जी ने, उन्होंने इसका संकलन जो है वो किया हुआ था। ये हमारी बात चल रही है किसकी, सिख रिलीजन की। इसी टाइम पे कोई मुझे बताएगा कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। अखिलेश मीना जी बिल्कुल सही जवाब, घनश्याम जी बिल्कुल सही जवाब, गोरख जी बिल्कुल सही जवाब। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे ये बताना है आपको, सिख धर्म जो हमारा था, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। सिख धर्म के संस्थापक का नाम पूजा यादव जी ने सबसे पहले लिख करके भेजा, गुरु नानक। भाई वाह वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। पूजा यादव जी ने सबसे पहले लिख करके भेजा है कि यहाँ पे अनुपम भाई 2, राम प्रताप जी 3, अंकित जी 4, घनश्याम जी 5, चंदन जी 6, इसके बाद में धीरेन जी ने लिखा 7। हाँ धीरेन जी सही जवाब है गुरु अर्जुन ने, ठीक है। अंकिता जी 8, विजय जी 9, दिलीप जी 10 भाई, अमन जी 11, लक्ष्मी जी 12, सुजाता जी 13, धीरेन जी 14, इसके बाद में गोरख जी 15, ठीक है ओके वेरी गुड। देखिए अखिलेश भाई 16, इसके बाद में गोरख जी 17, गोरख जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, विजय जी 17 बिल्कुल। जो हमारा गुरु नानक देव जी थे, गुरु नानक देव जी ने क्या किया हुआ था, सिख धर्म की स्थापना की हुई थी। प्रभात जी बिल्कुल सही जवाब, पूजा जी थैंक यू सो मच आपका जुड़ने के लिए परिवार के साथ में। तो गाइस एक क्वेश्चन यहाँ पे और है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। पहले तो हो गए गुरु नानक जी, हाँ राम साक्य जी। अरे राम साक्य भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका, कहाँ रहे आप बीच में, कुछ क्लासेज में राम साक्य जी आप बिल्कुल दिखाई नहीं दिए भाई, क्या हुआ, सब ठीक है ना घर परिवार में। चलिए तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था क्रॉस क्वेश्चन में कि अंतिम गुरु कौन थे, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। पहले थे गुरु नानक साहब, तो अंतिम गुरु कौन थे। अंकिता पाठक जी ने लिखा गुरु गोविंद सिंह भाई, वेरी गुड। एक आदमी ने लिखा, फिर उसके बाद में अनुपम जी दूसरे हो गए जिन्होंने कहा गुरु गोविंद सिंह, अच्छा ठीक है। दो लोग कह रहे हैं गुरु गोविंद सिंह, इसके बाद में पूजा जी 3, विजय जी 4, अमन जी 5, ठीक है, राम प्रताप जी 6, अंकित भाई 7, 7 लोगों ने कहा है कि गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु थे, लक्ष्मी जी 8, इसके बाद सुजाता जी 9, दिलीप जी 10, प्रभात जी 11, मोइनुद्दीन जी 12, 12 लोग हैं जो लोग कह रहे हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी अंतिम गुरु थे। प्रभात जी 7, बहन ज्योति ठीक है, धीरेन जी 13 हो गए भाई, राम प्रताप जी 14 हो गए, कह रहे हैं कि जो है ये 10वें और अंतिम गुरु थे। वेरी गुड भाई राम प्रताप जी, गुड एक्सप्लेनेशन कि 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। इसके बाद में फिर क्या हुआ था, यहीं से जो गुरु ग्रंथ साहिब था उसको गुरु मान लिया गया था। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के बाद में क्या किया गया था, इसमें जो इनकी जो पूरी महत्वपूर्ण पुस्तक है उसको क्या किया गया था, अच्छा बिजी थे तो कोई बात नहीं भाई, तो उसको क्या किया गया था, इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है, धार्मिक जो पुस्तक है गुरु ग्रंथ साहिब, उसको गुरु मान लिया गया था। अच्छा कोई मुझे बताएगा कि किसने सिखों को सैनिक समुदाय के रूप में परिवर्तित किया। ऑप्शन में उनका नाम शायद नहीं है, हाँ उनका नाम नहीं है, महाराष्ट्र के अंदर में, अच्छा ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी ने
गुरु पर्व का जो है इन्होंने समाप्त किया था, गुरु गोविंद सिंह जी ने, हाँ ये गुरु परंपरा को समाप्त किया था और गुरु ग्रंथ साहिब को स्थापित किया था। वेरी गुड अंकिता पाठक जी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। किसने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय बनाया था? किसी ने लिखा है गुरु हरगोविंद। वेरी गुड भाई, जिसने भी अगर हरगोविंद किसी ने लिखा हो तो, तेग बहादुर लिख रहा है कोई, गुरु गोविंद सिंह लिख रहा है कोई, हरकिशन लिख रहा है, अर्जुन देव, पूजा यादव जी ने लिखा अर्जुन देव। भाई इसमें आप लोग थोड़ा हिचक गए हैं। गाय जो सिखों को सैनिक संप्रदाय बनाया था वो बनाया था गुरु हरगोविंद ने, ठीक है, गुरु हरगोविंद ने, याद रखना गुरु हरगोविंद, जिसने भी लिखा हो गुरु हरगोविंद नहीं, तेग बहादुर ने, हाँ अंकिता पाठक जी बिल्कुल सही जवाब, हरगोविंद जी ने, ठीक है, गुरु हरगोविंद जी ने इनको बनाया हुआ, ठीक है, गुरु तेग बहादुर जी ने नहीं बनाया हुआ भाई। तेग बहादुर जी को जो है क्या है, इनको बकला दे बाबा के नाम से जाना जाता था, और इनको यह क्या किया गया था, और इनको जो इस्लाम न स्वीकार करने के कारण जो गुरु तेग बहादुर जी थे इनकी हत्या कर दी गई थी। और आपका जो 1645 से 61 इन्होंने लिख करके भेजा हुआ है भाई, कि जो हमारे गुरु हरगोविंद जी थे तो इन्होंने जो है 1645 से 61 गुरु हर राय का था, नहीं गुरु जो हमारे हरगोविंद थे इन्होंने एक सैनिक संप्रदाय के रूप में इसको कन्वर्ट कर दिया था। ज्योति जी बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका परिवार में। अच्छा ये कोई बता सकता है मुझे कि जो गुरु गोविंद सिंह जी के बाद में जो हमारे 10वें और अंतिम गुरु रहे गुरु गोविंद सिंह जी, इसके बाद में सिखों का नेतृत्व किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह जी के बाद में फिर सिखों का जो नेतृत्व था वो किसने किया हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी के बाद में फिर सिखों का नेतृत्व कौन करता है बाद में? हाँ सुजाता जी बहुत अच्छे, बंदा बहादुर। बाद में कौन होता है? बंदा बहादुर होता है, जिनके नेतृत्व में क्या होता है, फिर सिख एकजुट होते हैं। बिल्कुल सही जवाब, बंदा बहादुर भाई। इसके बाद में नहीं, संभाजी नहीं, अभी पूजा यादव जी, अभी जो है वो संभाजी की बात यहाँ पे नहीं आती, वो तो शिवाजी संभाजी आपकी बाद में बात आएगी। बंदा बहादुर थे सत्यम भाई, गुड इवनिंग एंड वेलकम। धीरेन्द्र जी कह रहे हैं नो आइडिया, आइडिया मैं दे रहा हूँ, दुनिया आप बदल लीजिए। बंदा बहादुर ने नेतृत्व किया हुआ था। बाद में आपका फिर शिवाजी संभाजी, ये जो जो इन लोगों की बात आती है ये आपकी बाद में बात आएगी, ठीक है, वहाँ पे मैंने पूरा पढ़ा हुआ, तो आपको फिर बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, उनके सारे में बारे बताएंगे तो आपको नई चीज़ें पता चलेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, हमारा है एजुकेशन से रिलेटेड। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किस अधिनियम के अंतर्गत पड़ी? 1813 के चार्टर अधिनियम से, 1835 के मैकाले मिनट से, 1882 के हंटर आयोग से, या फिर 1854 के वुड डिसेज से? क्वेश्चन नंबर 10, जो हमारा आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, हमारी जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, इसकी नींव अधिनियम के अंतर्गत पड़ी थी? क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा टफ हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 राम प्रताप जी लिख रहे हैं 1835 में मैकाले, अच्छा ठीक है, अखिलेश जी ने ए लिखा है, ठीक है ओके, सुजाता जी ने भी 1835 चुना हुआ है, जो इसके बाद में पूजा ने लिखा है कि 1882 में आपका हंटर आयोग, ये हंटर वंटर आयोग सब उसी के अंडर में आते हैं, आपका 1882 का हंटर आयोग, 1854 का वुड डिस्पैच, ये सब उसी के अंदर में आते हैं भाई। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है कि 1800 की चर्चा की गई थी, ठीक है गाइज, तो ये चीज आप लोग याद रखना, ये चीज आप लोग याद रखना कि जो आपका मैकाले का, जो आपका 1835 का मिनट आया था मैकाले का, इसके इसके अंडर में ही क्या किया गया था, आपका जो हंटर आयोग और जो वुड डिस्पैच था ये इसी के लिए आया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ लेना, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, जो एक टॉपिक होता है ना, किसके समय में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, कौन से अधिनियम के अंतर्गत की गई, उस समय गवर्नर कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, उसमें किसका डिस्पैच आया था उसको लेकर, ठीक है, कौन सा आयोग स्थापित किया गया था, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये, हमारे जो क्वेश्चंस हैं ये पूछे जाते हैं। वेरी पुअर नेटवर्क, हाँ अंकिता पाठक जी नेटवर्क बहुत खराब है इस टाइम पे, थोड़ी देर और खराब रहेगा, जब तक ये आईपीएल वाला मैच खत्म नहीं हो जाता है तब तक थोड़ा सा इस टाइप की सिचुएशन बनी रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम क्या था? रॉबर्ट क्लाइव, इस क्वेश्चन को बाद में रखेंगे, नेक्स्ट टाइम में रखेंगे, ये क्वेश्चन सही रहेगा। ऋषभ भाई स्वागत है आपका। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी,
कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला होना और आधुनिक हथियार होना, इसके बाद में आपका भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव होना, या उपर्युक्त तीनों। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण, सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव, उपर्युक्त तीनों। क्वेश्चन नंबर 12 पे ध्यान देंगे सारे लोग भाई। भारत में जो ईस्ट ताजी डी, ठीक है, वेरी गुड गाइज, वेरी गुड वेरी गुड। मोइनुद्दीन जी डी, बहुत अच्छे। अखिलेश मीना जी डी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाई। काफी सारे लोग डी लिख करके भेज रहे हैं भाई, जिन लोगों का आंसर डी आ रहा है उनका बहुत अच्छा भाई, वेरी गुड। आला फेव घनश्याम जी, सत्यम जी डी, विजय जी डी लिख रहे हैं, वेरी गुड भाई। राम प्रताप जी डी लिख रहे हैं, अखिलेश मीना जी डी लिख रहे हैं, पूजा यादव जी डी लिख रहे हैं। बिल्कुल गाइस, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी सफल हुई उसके पीछे सबसे पहला कारण था भारत में राष्ट्रीयता भावना की कमी थी। दूसरी चीज ये थी कि कंपनी सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला हुआ था, आधुनिक हथियार थे, ठीक है। इसके बाद में जो उनके सैनिक थे, अपने यहाँ पे भारतीय सैनिक थे, इनके पास में राष्ट्रीय भावना का भी कमी हुआ करती थी, ठीक है। थोड़ी थोड़ी जो चीज़ों में ये लोग इधर से उधर हो जाते थे, इस कारण से क्या हुआ, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी सफल हो पाई। ये तो बहुत आसान था प्रभात भाई, उपर्युक्त में से तीनों, इसका आंसर देना तो बहुत आसान था कि उपर्युक्त में से तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे गाइज। भारत में निम्नलिखित वायसरायों में से किसके काल में इंडियन, दोस्तों यहां से आपसे ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, पूछना मैं आप लोगों से ये चाह रहा हूँ कि किसके समय में ये तीन महत्वपूर्ण अधिनियम थे जो पारित हुए थे, आपको ये बताना है। आपका एक इंडियन पिनल कोड है, दूसरा आपका सिविल प्रोसीजर कोड है, तीसरा आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, ठीक है। पूजा यादव जी ने लिखा है ए, ओके। घनश्याम जी लिख रहे हैं लॉर्ड मेयो होगा, अच्छा भाई। अंकिता पाठक जी भी ए लिख रहे हैं, कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 में ए होगा भाई, ऐसा क्या है। अच्छा, सबको ए ही लग रहा है, सबको लग रहा है कि लॉर्ड मेयो के समय में ये सब काम हुआ था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि लॉर्ड मेयो के समय में ये हुआ था। कैनिंग लिखा है क्या किसी ने? राम प्रताप जी बिल्कुल सही जवाब है, ये सारी चीजें जो थी, ये सारी चीजें आपकी लॉर्ड कैनिंग के समय में आई थी। सर मेरा आंसर तो दीजिए। अच्छा भाई, क्या क्वेश्चन था आपका? इट मे बी सी, हां गीता पाठक जी बिल्कुल, सरस्वती जी बिल्कुल सही, धर्मेंद्र जी, धीरेन्द्र जी बिल्कुल सही, अखिलेश मीना जी बिल्कुल सही भाई, कल ही बताया है आपने। हाँ बिल्कुल, इस बारे में कल चर्चा हुई थी, काफी चर्चा कल इस बारे में हुई थी। जो आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था और आपका जो सिविल प्रोसीजर कोड था और जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, ये तीनों कोड जो है आपके पारित किसके समय में हुए हैं? कैनिंग के समय में आकर के हुए हैं, ओके। तो कैनिंग के समय में क्या हुआ, ये आकर के यहाँ पर पारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत आसान, बड़ा सरल, बड़ा पिंटू चिंटू टाइप का क्वेश्चन है, बड़ा क्यूट सा, मीठा सा, प्यारा सा क्वेश्चन है। अच्छा देखिए, कहाँ दीजिए, नहीं क्वेश्चन नंबर 14। सरस्वती जी जो भी हो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं देख लूंगा क्या आप कहना चाह रहे हैं। चैट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रही, समझने में प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए। अंकिता पाठक जी ने लिखा है ए, कल तो इस क्वेश्चन पे बड़ा डिस्कस हुआ था, किसके समय में डाक टिकट शुरू किए गए थे? पूजा जी ने लिखा है ए, अखिलेश मीना भाई, अखिलेश भाई लिख रहे हैं ए, मोइनुद्दीन जी ने ए लिखा है, ओके। घनश्याम जी, सरस्वती जी, सुजाता जी, सब लोग, पूजा यादव जी, राम प्रताप, टिकट शुरू हुए थे, अच्छा। ज्योति जी ये बिल्कुल, ज्योति जी बहुत सही जवाब भाई, मधुबनी बिहार से। गोरख भाई लिख रहे हैं बिल्कुल सही जी। ऋषभ रमोला साहब बिल्कुल सही जवाब ए। अच्छा कल मैंने एक चीज और भी बताई हुई थी, जो लॉर्ड डलहौजी के समय में शुरू हुई थी, बड़ी महत्वपूर्ण चीज थी वो, बड़े महत्वपूर्ण चीज थी। और भारत में अगर इस समय बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र का वो सबसे बड़ा उपक्रम है, उस व्यवस्था की शुरुआत जो है वो हमारी इसी के समय में हुई थी, वो कौन सी थी? लॉर्ड डलहौजी के समय में और कौन सा महत्वपूर्ण काम हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय में और कौन सा महत्वपूर्ण एक काम हुआ था? किस काम की मैं बात कर रहा हूं? लॉर्ड डलहौजी के बारे में अच्छा, घनश्याम जी ने लिखा रेलवे, वेरी गुड। सरस्वती ने लिखा पीडब्ल्यूडी, अरे वाह भाई वाह, सारी चीजें बता दोगे तुम लोग, अलग अलग मिल करके बता रहे हो, बातचीत कर रहे हो क्या आपस में तुम लोग? सुजाता जी ने लिखा विधवा विवाह। अंकिता पाठक जी इंडियन रेलवे, मोइनुद्दीन जी इंडियन रेलवे बिल्कुल, अखिलेश मीना जी रेलवे, राम प्रताप जी रेलवे, सत्यम जी रेलवे, हाँ जी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी आपके समय में, इसके समय में आता है। रेलवे भी जो है वो आता है यहाँ पर बिल्कुल, वुड डिस्पैच भी इसके समय में आता है भाई। डलहौजी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध इसके समय में होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसके समय में आता है ना। वुड की शिक्षा नीति आती है। संथाल का विद्रोह होता है। पहली विद्युत तार स्थापित होती है। डाक टिकटों का प्रचलन होता है। ये सारी चीजें इसके समय में होती हैं। हाँ सरस्वती जी, विद्युत तार इसके समय में आता है। विजय जी बिल्कुल सही बात है भाई, इसके समय में बिल्कुल डाक तार एटसेट्रा। अंकिता पाठक जी बहुत अच्छे, वेरी गुड। धीरेन्द्र भाई बिल्कुल सही जवाब है भाई।
सारे लोगों ने ग्रेट आंसर्स किए हुए हैं भाई, वेरी ग्रेट आंसर्स गाइस, कि जो आपका डलहौजी था उसके समय में ये सारे काम हुए थे। अच्छा, विलियम बेंटिक जो है वो एक कौन सी बड़ी कुप्रथा थी जिसको समाप्त करता है? राजा राम मोहन राय के साथ में मिल करके विलियम बेंटिक कौन सी कुप्रथा को समाप्त करता है, कोई बताएगा मुझे? 1829 में क्या था वो, कौन सी वो कुप्रथा थी जिसको समाप्त करता है विलियम बेंटिक आपका? राजा राम मोहन राय जो आपके आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाते हैं, उनके समय में सती प्रथा, वेरी गुड, सरस्वती जी ने सबसे पहले लिखा कि सती प्रथा को आकर के वो समाप्त करता है भाई, सती जो कुप्रथा थी, प्रथा नहीं कहना चाहिए, कुप्रथा थी, उसको समाप्त करता है। सत्यम भाई बिल्कुल, सुजाता जी बिल्कुल भाई, विजय जी, घनश्याम जी, अखिलेश मीना जी, ज्योति जी, सती प्रथा। अच्छा, राम प्रताप जी कह रहे हैं विधवा विवाह, नहीं विधवा विवाह वाली बात तो बाद में आएगी, विलियम बेंटिक जो है आपका सती प्रथा को समाप्त करता है। लक्ष्मी जी का जवाब सही है, अखिलेश मीना जी का जवाब सही है, चंदन भाई का जवाब जो है सही है भाई, एल डलहौजी लाता है, और डलहौजी जो है इसके अलावा जो आपका विलियम बेंटिक होता है ये क्या करते हैं, ये सती प्रथा को समाप्त कर देते हैं। इसके अलावा इनके समय में ये ठगी प्रथा का भी जो है समाप्ति होती है, नरबली प्रथा का भी अंत होता है, तो काफी सारे जो अच्छे काम है ये इनके समय में होते हैं। अच्छा, कोई बताएगा कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई हुई है, कॉफी पीते हुए हम लोग अखबार पढ़ते हैं, उससे आपको याद आ जाएगा कि किसकी मैं बात कर रहा हूं। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, जो मैं अभी आपसे पूछ रहा हूं ये समाचार पत्रों का मुक्तिदाता वाला, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। मेटकॉफ, यहाँ पे देखिए, वेरी गुड, सरस्वती जी ने लिखा मेटकॉफ, हाँ ऋषभ भाई, सती प्रथा का अंत किया हुआ था। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? सरस्वती जी, सुजाता जी, मेटकॉफ, ओके, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, हाँ रेलगाड़ी चली थी चंदन जी, बिल्कुल सही बात भाई। जो आपका चार्ल्स मेटकॉफ है, चार्ल्स मेटकॉफ को पुरस्कार मुक्तिदाता कहा जाता है। अखिलेश भाई, क्रॉस क्वेश्चन ऑप्शन नहीं मिलता है सर, मेरा चैट हमेशा स्क्रीन पे लेट जाता है, कोई बात नहीं धीरेंद्र जी, अक्सर करके आता है, अभी नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है इसलिए लेट जा रहा होगा। हाँ अखिलेश भाई, क्रॉस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दे सकता। अनुपम मिश्रा जी सही जवाब है, जो स्क्रीन क्वेश्चन होगा उस पर ऑप्शन दूंगा, ऐसे ऑप्शन नहीं देता हूँ, क्योंकि जो दिमाग में क्वेश्चन आता जाता है वो मैं पूछता जाता हूँ साथ में, ठीक है? तो इससे ये होता है, ये इसलिए करता हूं मैं ताकि हमारा रिवीजन होता रहे, ठीक है, रिवीजन होता रहे इस वजह से। अच्छा गाइस, ये क्वेश्चन पे कल परसों में डिस्कस हमारा हुआ था, अरे लेट जाता लेकिन आता तो सबका है ना, आ तो जाता है। अंकिता पाठक जी बिल्कुल, सती प्रैक्टिस के लिए, हाँ बिल्कुल प्रैक्टिस, इसके प्रैक्टिस के लिए हम लोग करते हैं इसको, तो जो सती प्रैक्टिस का कि सती प्रथा जो था, बिल्कुल सही बात है भाई अंकिता जी, सती प्रथा के इन्होंने अंत किया हुआ था। नेक्स्ट गाइस, हम ये मैं पूछना चाह रहा कि जो हमारा जो युद्ध हुआ था, एक प्लासी का युद्ध जो हमारा हुआ था, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? सबसे पहला वही गवर्नर जनरल भारत का बनता है, गवर्नर बनता है। प्लासी का युद्ध हमारा जो 1757 में हुआ, उसके बाद में मैंने अभी आपको बताया है कि फिर प्लासी के युद्ध के बाद में वो भारत का गवर्नर बन जाता है। तो कोई मुझे बताएगा कि ये जो था, ये प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? पूजा यादव जी ने लिखा रॉबर्ट क्लाइव, इसके बाद में सत्यम जी ने लिखा रॉबर्ट क्लाइव, दो लोग हो गए भाई। घनश्याम जी लिख रहे गुड, तीन लोग हो गए। अनुपम भाई लिख रहे क्लाइव, चार लोग हो गए भाई। सुजाता जी लिख रहे क्लाइव, पांच लोग हो गए, वेरी गुड। अच्छा ऋषभ जी ने लिखा क्लाइव भाई, छह लोग हो गए, छह लोग कह रहे हैं कि क्लाइव जो था वो हमारा इसके समय में होता है यहाँ पे। अच्छा बिल्कुल अखिलेश भाई, बिल्कुल सही जवाब, आठ, सात लोग हो गए, धीरेन जी आठ हो गए भाई। प्राची जी, प्राची यादव जी बिल्कुल सही जवाब भाई, प्राची जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। रॉबर्ट क्लाइव बिल्कुल सही जवाब, मोइनुद्दीन भाई, मोइनुद्दीन जी बिल्कुल सही जवाब है। विजय भाई बिल्कुल सही जवाब, विजय कुमार जी बहुत अच्छे, क्लाइव, लक्ष्मी पटवा जी ने क्लाइव लिखा, शिवम शुक्ल बहुत स्वागत है, इन्होंने भी क्लाइव लिखा, बिल्कुल सही जवाब गाइस, जो है कि आपका जो क्लाइव है, क्लाइव के समय में क्या हुआ था, जो आपका ये युद्ध हुआ है प्लासी युद्ध, ये हमें यहाँ पे दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज मेरा ये है कि प्लासी के थोड़े दिन बाद एक और युद्ध होता है, वो ये हमारा है कि जो आपको एक युद्ध और दिखाई देता है, जो होता है आपका बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया हुआ था? अनुपम भाई को मालूम चल गया था, क्रॉस क्वेश्चन में मैं यही पूछूंगा, इन्होंने लिखा है कि मुनरो ने, जो थॉमस मुनरो था, इसने क्या क्या हुआ था बक्सर में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया हुआ था। कौन बताएगा भाई कि जो हमारा बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? शिवम भाई लिख रहे हैं हेक्टर मुनरो, वेरी गुड, बक्सर 1764,
हाँ अनुपम जी, मैं जान गया था, आप समझ गया था। हाँ बक्सर जो युद्ध हुआ है वो 1764 में हुआ है, और इसका नेतृत्व तो प्राची यादव जी ने बताया, हेक्टर मुनरो कर रहा था, सुजाता जी कह रहे हैं हेक्टर मुनरो कर रहा था, धीरेन्द्र भाई कह रहे हैं मुनरो कर रहा था, अखिलेश भाई मीना जी कह रहे हैं मुनरो कर रहा था। मानना पड़ेगा भाई कि जो हेक्टर मुनरो था वो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। अच्छा, बक्सर के युद्ध के बाद में कौन सी संधि हुई थी, कौन बताएगा? बक्सर के युद्ध के बाद में कौन सी संधि हुई थी बंगाल का आबदस्त नवाब जो था आपका मीर कासिम, इसके अलावा जो आपका शुजाउद्दौला अवध का नवाब था, और शाह आलम द्वितीय आपका जो दिल्ली का उस समय में था, वो तीनों ने मिलकर लड़ा था लेकिन हार गए थे। शिवम शुक्ला लिख रहे हैं अलाहाबाद की संधि हुई थी भाई, जो आपका बक्सर का युद्ध हुआ है इसके बाद में कौन सी संधि हुई थी? हाँ सुजाता जी भाई बिल्कुल सही, अनुपम जी बिल्कुल सही भाई, प्राची यादव जी बिल्कुल सही, अलाहाबाद बमान में प्रयागराज, लक्ष्मी पटवा जी बिल्कुल सही, वेरी क्लेवर क्लाइव, अच्छा अंकिता पाठक जी हाँ बहुत चालाक तो था, क्लाइव चालाक तो था, बात तो सही है। अखिलेश मीना जी इलाहाबाद बिल्कुल, नहीं, रंगपट्टनम नहीं भैया, हाथ जोड़ के ऐसा ऐसा नहीं, सत्यम अत्याचार नहीं। हाँ धीरेन्द्र जी बिल्कुल सही जवाब है, इलाहाबाद की संधि, कौन सी संधि हुई थी? वो हुई थी इलाहाबाद की संधि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? बिल्कुल प्रभात भाई बिल्कुल सही जवाब, मैंने जब आपको पढ़ाया हुआ था जो बिपिन चंद्रा की किताब, जब मैं आपको आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको इस क्वेश्चन का जवाब बताया हुआ था कि अवध किसके नेतृत्व स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, आपको बताना है कि अवध जो है ये किसके नेतृत्व में स्वतंत्र हुआ था, शुजाउद्दौला, शहादत खां, बुरहानुल मुल्क, या सफदरजंग, या शेर खां। पूजा यादव जी ने लिखा है ए, प्राची भी लिख रहे हैं ए भाई, आप दोनों लोग फ्रेंड फ्रेंड है मुझे लग रहा है, जय वीरू वाली जोड़ी है क्या भाई? लो जय वीरू चक्कर में काफी लोग हो गए सुजाउद्दौला वाले, बहुत ही अच्छे। अनुपम भाई लिख रहे हैं बी, पूजा यादव जी है, मोइनुद्दीन अंसारी जी है, सब लोग कह रहे हैं सुजाउद्दौला, इसका मतलब कोई भी इंसान ध्यान से पढ़ाई नहीं कर रहा है भाई। अवध किसके नेतृत्व में स्वतंत्र हुआ था किसी को नहीं मालूम है, जबकि मैंने चीख चीख कर बताया है कर्नाटक सादतुल्ला खां के नेतृत्व में स्वतंत्र हुआ था। दक्कन आपका जो है वो आपका दक्कन के बारे में मैंने बताया हुआ था कि जो आपका निजाम होता है निजामुल मुल्क चिंगलिज खां के नेतृत्व में स्वतंत्र हुआ था। कल मैंने बंगाल का जो आजादी का एक ट्रिक बताई हुई थी, ऑप्शन ए डिलीट कर दूंगा तब आप लोग क्या जवाब सुनेंगे, शहादत खां बुरहानुल मुल्क, ठीक है, बुरहान उल मुल्क शहादत खां, इसके नेतृत्व में अवध स्वतंत्र होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पूजा यादव जी सही जवाब, सत्यम जी बिल्कुल सही जवाब, शहादत खां बुरहानुल मुल्क, ठीक है, ये जो आपका होता है ये इसके नेतृत्व में स्वतंत्र होता है। हाँ सुजाता जी सादत खां के नेतृत्व में बिल्कुल सही जवाब, इसीलिए मैं कहता हूँ किसके नेतृत्व में कौन आजाद हुआ था ये आपको बहुत याद रखना जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कई बार क्या अक्सर करके पूछा जाता है। इसी टाइम पे लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि बंगाल किसके नेतृत्व में स्वतंत्र हुआ था, कल मैंने ट्रिक बताई हुई थी बंगाल के बारे में, और बंगाल के टाइगर रिजर्व याद करने की भी ट्रिक मैंने बताई हुई है कि बस से बंगाल चलो, बुक्सा और सुंदरवन ये दो टाइगर रिजर्व हैं पश्चिम बंगाल में। गाइज पश्चिम बंगाल किसके नेतृत्व में स्वतंत्र हुआ था, अगर कोई बंगाल से जुड़ा हुआ हो तो भाई हाथ खड़ा करके बताइएगा, या अगर बंगाल के आसपास स्टेट का कोई हो तो वो भी बताना, और जो ये नए लोग आए भाई वो लोग भी बताएं कि वो लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले पूजा यादव जी ने लिखा है मुर्शीद कुली खां, वेरी गुड पूजा जी, इसके बाद में सुजाता जी बहुत अच्छे भाई, जोरदार तालियां आपके लिए, मुर्शीद कुली खां वेरी गुड, लक्ष्मी जी बिल्कुल, अखिलेश भाई बिल्कुल, मुर्शीद कुली खां, कल मैंने आपको ट्रिक बताई हुई थी बम याद रखना, बा से बंगाल, मा से मुर्शीद कुली खां, तो बंगाल जो है वो किसके नेतृत्व में स्वतंत्र था, वो स्वतंत्र था मुर्शीद कुली खां, कल एब्सेंट थे सर। अच्छा धीरेन्द्र जी कल आप नहीं आ पाए थे, हाँ तभी तो क्योंकि इसके बारे में। अच्छा पूजा यादव जी आप बिहार से बिलोंग करते हैं, ठीक है बहुत बहुत स्वागत है, ज्योति जी भी बिहार से, मधुबनी बिहार से आपके, घनश्याम जी लिख रहे हैं कि मुर्शीद कुली खान बिल्कुल, नंदन भाई लिख रहे हैं कुली खान, हाँ मुर्शीद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल जो है वो स्वतंत्र हुआ था। अच्छा जो आपका हैदराबाद होता है, हैदराबाद से कालांतर में कर्नाटक स्वतंत्र होता है, कर्नाटक किसके नेतृत्व में स्वतंत्र हुआ था, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया अभी एक मिनट पहले ही। अच्छा आप बेगूसराय भाई, वेरी गुड चंदन भाई, ठीक है वेरी गुड चंदन भाई, तो ये जरा आप बताइए मुझे कि जो आपका कर्नाटक है, कर्नाटक धीरेन जी लिख रहे हैं मैं झारखंडा से हूँ बिल्कुल, घनश्याम भाई छत्तीसगढ़ से, बहुत अच्छे, अंकिता जी आपकी आसाम से हैं, कोई मुझे ये बता दो भाई कि जो आपका कर्नाटक था, कर्नाटक किसके नेतृत्व में स्वतंत्र हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ही बताया हुआ था आपको, बताया हुआ है कि कर्नाटक किसके नेतृत्व में स्वतंत्र हुआ था, कर्नाटक आपका स्वतंत्र हुआ था सादुल्ला खां के नेतृत्व में, ठीक है याद कर लेना, जिसको नहीं मालूम है याद कर लेना, कर्नाटक सादतुल्ला खां के नेतृत्व में स्वतंत्र था, कॉपी कलम रखी हो पास में तो नोट कर लो, सर एक बार ट्रिक याद करा दीजिए। अच्छा ठीक है जो भी ट्रिक होगी वो याद कर, गोरखपुर यूपी से मोइनुद्दीन अंसारी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका,
गया। हाँ, सादतुल्ला खां, बिल्कुल सादतुल्ला खां के नेतृत्व में कर्नाटक आपका जो है वो स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज हमारा है कि निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध घोषित किया और बाद में वे बक्सर के युद्ध में हार गए। अभी 2 मिनट पहले ही इस क्वेश्चन का मैंने जवाब दिया है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अवध, बंगाल और दिल्ली लड़कर के जो युद्ध हारे हैं, बक्सर का युद्ध, इसमें उस समय मुगल बादशाह कौन था। क्वेश्चन सीधा सीधा ये कि बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था। सब गड़बड़ हो रही है आज। अब क्या गड़बड़ हो गया भाई। शिवम शुक्ला जी क्वेश्चन नंबर 17 में डी लिख रहे हैं। मोइनुद्दीन अंसारी जी डी लिख रहे हैं। इसका आंसर मैं बता चुका हूँ। शिवम भाई कई बार पहले आंसर दिए हैं भाई। सबसे पहले आंसर शिवम भाई का कई बार आया है। पूजा यादव जी ने भी बहुत फास्टली आंसर किया है। वेरी गुड। घनश्याम जी कह रहे हैं शाह आलम। वैसे शाह आलम तो ऑप्शन में है ही नहीं। पूजा जी ने लिखा है डी, ठीक है। प्राची जी ने भी कहा शाह आलम। शाह आलम तो ऑप्शन में नहीं है कहीं पर भी। जो भी शाह आलम जो लोग लिख रहे हैं तो शाह आलम तो ऑप्शन में नहीं है। अखिलेश मीना जी ने लिखा है डी, बिल्कुल सही जवाब है भाई। जिसने डी लिखा है उसका जवाब सही है, लेकिन जिसने शाह आलम लिखा है उसकी बात तो मानने वाली नहीं है, क्योंकि अगर ऑप्शन में कभी शाह आलम और शाह आलम द्वितीय मिल गया तब आपको पता चलेगा। जो आप लोग डी अभी शाह आलम द्वितीय नहीं लिख रहे हैं ना, फिर आपको पता चलेगा। प्रभात जी डी बिल्कुल सही जवाब। लक्ष्मी पटवा जी डी बिल्कुल सही जवाब। शाह आलम सेकेंड। हाँ सुजाता जी आप सही है। प्राची यादव जी बिल्कुल शाह आलम द्वितीय। पूरा एक एक फैक्ट याद रखो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। जब शाह आलम प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ तक आ जाएगा तब आपको प्रॉब्लम होगी। हाँ बिल्कुल धीरन जी आप सही जवाब है। ज्योति जी देखिए मधुबनी बिहार से हैं, इन्होंने शाह आलम द्वितीय लिखा है, बहुत अच्छे। अखिलेश मीना भाई हमारे जो है इन्होंने शाह आलम द्वितीय लिखा है, राजस्थान से बिलोंग करते हैं भाई। इनका भी बहुत सही आंसर है शाह आलम द्वितीय। बिल्कुल जो हमारा शाह आलम द्वितीय था वो जो है इनके साथ में मिलकर के। अच्छा जब शाह आलम द्वितीय था इस समय अवध का नवाब कौन था। बक्सर के युद्ध के समय में अवध का नवाब कौन था। 1 मिनट पहले ये भी आपको बताया है मैंने। बक्सर के युद्ध के समय में अवध का नवाब कौन था, अभी आधा मिनट पहले ही क्वेश्चन बताया मैंने। ये क्वेश्चन नंबर 17 हमारा गाइज है, वो ये कह रहा है कि इस समय में आपका कौन था। शाहदुल्ला खान नाटक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। घनश्याम भाई लिख रहे हैं शुजाउद्दौला। अच्छा भाई देखते हैं बाकी लोगों का आंसर आने दीजिए। ठीक है मुर्शिद कुली खां। पूजा जी नहीं। प्राची यादव जी बिल्कुल सही। शुजाउद्दौला। शाह आलम द्वितीय। चंदन जी लिख रहे नहीं। चंदन जी शाह आलम द्वितीय तो आपका दिल्ली में था, मुगल बादशाह हुआ करता था ये। शुजाउद्दौला मुइनुद्दीन भाई ने शुजाउद्दौला बिल्कुल सादत खां के नेतृत्व में आजाद हुआ था, लेकिन जब बक्सर का युद्ध हुआ तो शुजाउद्दौला था। सुजाता जी तो आपके नाम में भी सु है, उनके नाम में भी सु है, तब सुसु मिला लो तो आपको याद रहेगा कि सुजाता और शुजाउद्दौला। ठीक है तो आपके तो आपसे नाम से मिलते जुलते हैं। बिल्कुल शुजाउद्दौला भूलना नहीं है। शुजाउद्दौला था ठीक है। हाँ जी बिल्कुल शुजाउद्दौला था ठीक है। जब अवध का नवाब आपका था शुजाउद्दौला, वहाँ पे था शाह आलम द्वितीय, और जो आपका बंगाल का अबदस्त नवाब था वो था मीर कासिम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। जब प्लासी और बंगाल का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था। देखिए सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन जो पहले पूछा गया था, इस बार भी वही क्वेश्चन आ गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में जब प्लासी का युद्ध हुआ। इससे बढ़िया ये बता दो कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था कोई बता दो भाई। बिल्कुल सही जवाब अंकिता पाठक जी। पूजा यादव जी बिल्कुल सही जवाब। दोनों टॉपर निकल गए भाई। अंकिता और पूजा दोनों लोगों ने लिखा है भाई डी, कह रहे हैं कि डी सही जवाब होगा। टॉप 10 तक आंसर रिकॉर्ड करूंगा। लक्ष्मी पटवा जी वेरी गुड। प्राची जी वेरी गुड। घनश्याम जी वेरी गुड। अनुपम जी वेरी गुड। पूजा यादव जी बहुत अच्छे भाई। शिवम शुक्ला जी ने लिखा 1757। नहीं पूजा जी 1764 नहीं, प्लासी का युद्ध पूछा हूँ बक्सर नहीं। प्राची यादव जी प्लासी 1757 वेरी गुड। घनश्याम जी वेरी गुड। लक्ष्मी पटवा जी वेरी गुड। प्रभात भाई बहुत अच्छे। ज्योति जी वेरी गुड। अनुपम भाई वेरी गुड। बिल्कुल 23 जून 1757। अनुपम भाई बहुत वेरी 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 गुड। आपको मेरा 3 स्टार। ज्योति जी 1757 वेरी गुड। बिल्कुल प्लासी का युद्ध आपका 1757 में हुआ था। ज्योति कुमारी जी बिल्कुल आपका सही जवाब है भाई। धीरेन जी बिल्कुल सही जवाब है भाई। पूजा यादव जी कोई बात नहीं हो जाता कई बार। बक्सर 1764 था। अखिलेश मीना जी लिख रहे हैं कि जो बक्सर का युद्ध था वो 1764 में हुआ था। बिल्कुल सही जवाब है भाई। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन बना था। बेंटिक, कार्नेवाले, सेस्टिंग या फिर वेलेजली। एच के जे वेब मिंटो है, याद रखोगे तो आपको याद रहेगा। क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन बना था, प्रश्न संख्या 19। ट्रिक है एच के जे वेब मिंटो है ठीक, यानी कि क्लाइव के बाद में हेस्टिंग, कार्नेवालिस, फिर जानसोर, फिर वेलेजली, फिर बार्लो, फिर मिंटो, फिर हेस्टिंग, फिर एमहर्स्ट।
ये पूरी ट्रिक है, मैं ट्रिक का वीडियो बनाऊंगा आपको दिखा दूंगा। ठीक है, शिवम शुक्ला जी ने लिखा सी, अच्छा अनुपम भाई लिख रहे हैं सी, प्राची यादव जी ने लिखा है सी, वेरी गुड अनुपम जी ने हेस्टिंग लिखा, सुजाता जी ने लिखा हेस्टिंग, प्रभात भाई सी लिख रहे हैं, चंदन जी लिख रहे हैं, ज्योति जी सी लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत समझदारी काम कर रहे हो, मतलब एक ही क्वेश्चन में ऑप्शन से काम चला ले रहे हो, हेस्टिंग तक टाइप कर रहे हो भाई जल्दी के चक्कर में। घनश्याम जी ने लिखा हेस्टिंग, बहुत बढ़िया भाई, जिसने भी हेस्टिंग लिखा उसने बहुत अच्छा काम किया। धीरेन जी ऑप्शन सी लिख रहे हैं, 19 में हेस्टिंग था, अच्छा भाई। हाँ लक्ष्मी पटवा जी हेस्टिंग, थोड़ा लिखने की आदत डालिए, उससे आपको लंबे समय तक मेमोराइज रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में अगर मान लो डी की जगह पे बी हो गया, बी की जगह पे डी हो गया, तब तो कंफ्यूज हो जाओगे ना, क्योंकि क्वेश्चन आपको ऑप्शन से नहीं याद करना है, क्वेश्चन आपको आंसर से याद करना है। तो आपको इसलिए ये याद होना चाहिए कि क्लाइव का उत्तराधिकारी हेस्टिंग था, यह नहीं है कि क्लाइव का उत्तराधिकारी सी था। अब सी मतलब तुमको सी सी मतलब क्या, आपको यह याद है तो दिमाग को जो आप याद कराओगे आपका दिमाग वो याद करेगा। तो आप अगर आंसर लिखोगे तो आपको आंसर याद रहेगा, अगर आप डी सी बी लिखोगे तो आपको डी बी सी याद रहेगा, ये याद रहेगा 19 में था, लेकिन 19 में क्वेश्चन क्या था ये आपको नहीं याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवाब सिराजदौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था। मैं टाइप करते हूँ सुजाता जी, हाँ बिल्कुल इसीलिए तो मैं, बिल्कुल सही बात है भाई धीरेन जी, बिल्कुल धीरेन जी बहुत अच्छे, अनुपम भाई बहुत बढ़िया, नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया, हाँ 23 जून 1757, अंकिता पाठक जी क्लैपिंग आपके लिए। नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में संघर्ष का सबसे प्रमुख कारण क्या था। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला, शिवम भाई वेरी गुड, सिराजुद्दौला के राजरोहण का विरोध किया था, अंग्रेजों ने व्यापार में छूट का दुरुपयोग किया था, अंग्रेजों ने बंगाल में फ्रांसीसियों के उपनिवेश पर हमला किया था, काला कारावास की घटना हुई थी, मेन रीजन इसके पीछे क्या था कि सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष हुआ, उसी के कारण वो गुस्सा हो जाता है। बी बिल्कुल फ्रेश नहीं दिख रहा है सर, पूजा जी उसको नेटवर्क की प्रॉब्लम है, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, बीच बीच में क्लियर हो जाएगा तब पढ़ लेना, हाँ बीच बीच में क्लियर होता रहेगा। मोइनुद्दीन भाई बी, भाई बी लिख रहे हैं, अंकिता पाठक जी हेस्टिंग सही जवाब, लक्ष्मी पटवा जी नहीं पता मैं बता रहा हूँ, अभी बताता हूँ लक्ष्मी जी आपको, बिल्कुल बताऊंगा मैं, पूजा जी बी सही जवाब भाई, अनुपम भाई बी सही जवाब। गाइस क्या होता है, नवाब सिराजुद्दौला जो होता है वो लोग इन लोगों को क्या करते हैं, नवाब सिराजुद्दौला जी क्या करते हैं, इनके पूर्वज और ये लोग अंग्रेजों को व्यापार में चुंगी से छूट देते हैं, ठीक है, चुंगी से क्या करते हैं छूट देते हैं, और उसके बदले में उनको प्रपत्र दिया जाता था, कहते थे कि ये प्रपत्र दिखा देना तो तुमको चुंगी नहीं देना पड़ेगा। अंग्रेज क्या करते थे कि तो बिना चुंगी के माल बेचते ही थे, बल्कि जो उनके दूसरे लोग थे वो लोग क्या करते थे उनको देते थे कि लो तो हमारी यही चुंगी वाला पेपर दिखा देना, जैसे होता नहीं कि आपको कोई पास मिल जाए और आप वो पास दूसरों को दे दो, लो भैया तुम बस से यात्रा करो मेरा पास दिखा देना। तो जब वो व्यापार की छूट का इस तरीके से दुरुपयोग करते थे तो सिराजुद्दौला को गुस्सा आ गया, और सिराजुद्दौला क्या करता ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर धावा बोल देता है और आगे करके सारा इनको जो है तहस नहस मचा देता है वहां पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे सरदार कौन थे। इस क्वेश्चन पे बहुत भयंकर चर्चा हुई थी, मोहनलाल, राय दुर्लभ, राजवल्लभ, मीर मदान, खादिम खां। प्लासी के युद्ध में आप लोगों को मालूम है दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक होता है गद्दारों का हिस्सा, दूसरा होता है वफादारों का हिस्सा। आपको बताना प्लासी के युद्ध में वफादार कौन थे। प्रश्न संख्या एक, प्लासी के युद्ध में वफादार कौन कौन लोग थे। मोहनलाल, राय दुर्लभ, राजवल्लभ, मीर मदान और खादिम खान, इसमें वफादार कौन कौन था। एक दो चार, दो चार एक चार या एक चार पांच, प्लासी के युद्ध में कौन वफादार थे। इतना मैं बता सकता हूं आपको कि इसमें दो लोग थे जो वफादार थे, केवल दो बंदे थे जो वफादार थे। देखिए किसी ने तो जवाब लिख दिया भाई, चंदन भाई लिख रहे हैं, चंदन भाई वेरी गुड भाई, मोहनलाल, और इन्होंने लिखा है मोहनलाल और मीर मदान। अनुपम भाई ने लिखा है एक और चार, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे, वेरी गुड। इस क्वेश्चन पे तो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, डिस्कस आफ्टरनून की एक क्लास में हुआ है, आधुनिक भारत के इतिहास की जो एक क्लास हो चुकी थी उसमें डिस्कस हुआ था। मुनुद्दीन भाई आइडिया मैं देता हूँ, देखो क्वेश्चन में आपको एक चीज जान लेना, दो लोग थे जो वफादार थे इसमें, आपका एक तो थे मोहनलाल साहब और दूसरे आपके थे जो वो थे मीर मदान जी। बिल्कुल मोहनलाल और मीर मदान, हाँ बिल्कुल, दो और चार बिल्कुल सही जवाब, मोहनलाल और मीर मदान। अच्छा कौन बताएगा कि प्लासी का शहीद किसे कहा जाता है। नॉट विजिबल नॉट ऑडिएबल, अंकिता पाठक जी लिख रहे हैं, ना सुनाई दे रहा है ना दिखाई दे रहा है। अच्छा भाई चलिए कौन बताएगा मुझे, शिवम भाई बिल्कुल सही जवाब है आपका, शिवम शुक्ला जी सही जवाब, राम प्रताप जी सही जवाब है। प्लासी का शहीद किसे कहा जाता है, ये तो आसान क्वेश्चन है, इसके बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ अनुपम भाई लिख रहे हैं मीर मदन को कहा जाता है, मीर मदान को कहा जाता है। अच्छा सुजाता जी भी लिख रहे हैं मीर मदान को कहा जाता है। प्लासी का शहीद किसे कहा जाता है, प्लासी का शहीद,
अच्छा पूजा यादव जी ने लिखा सी, पूजा जी बिल्कुल सही जवाब है, 1 और 4 सही जवाब है। प्लासी का शहीद किसे कहते हैं बताइए, 2 लोगों ने लिखा है, अनुपम भाई ने लिखा है और सुजाता जी ने लिखा है, मीर मदान सही जवाब है। सारे लोग टाइप करो मीर मदान फटाफट, प्लासी का शहीद मीर मदान को कहा जाता है, लिख दो यही बात, लिख दो कि प्लासी का शहीद मीर मदान को कहा जाता है, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। चंदन जी मीर मदान लिखना है बिल्कुल, आज यहाँ लिख दोगे तो आगे आने वाले भविष्य के लिए हमेशा याद रहेगा, जब भी प्लासी का शहीद आएगा आपको अपनी टाइपिंग याद आ जाएगी। बिल्कुल लक्ष्मी पटवा जी मीर मदान, मोहिनुद्दीन भाई बिल्कुल सही मीर मदान, घनश्याम जी मीर मदान, प्लासी का शहीद कहा जाता है मीर मदान को, जितनी बार आप लिखोगे उतनी बार मैं ये सेंटेंस बोलूंगा, घनश्याम जी प्लासी का शहीद मीर मदान को कहा जाता है। धीरेन जी लिख रहे हैं मीर मदान, बिल्कुल धीरेन भाई, प्लासी का शहीद मीर मदान को कहा जाता है, मीर मदान को प्लासी का शहीद कहा जाता है। अब तो कोई नहीं भूलेगा ना, मीर किसको कहा जाता है, प्लासी का शहीद जो है वो किसको कहा जाता है, मीर मदान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है काल कोठरी जो ब्लैक होल की घटना थी जिसमें 146 में से 123 लोग बंद हो गए कर दिए गए थे और ये मर गए थे, ये कहाँ पर थी, मुर्शिदाबाद, ढाका, मुंगेर या फिर कलकत्ता। ब्लैक होल की घटना कहाँ घटी थी, सामान्य सवाल ये है। मीर मदान, हाँ बिल्कुल मोहनलाल और मीर मदान, पूजा जी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, जो ब्लैक होल की घटना है ये हुई कहाँ पर थी, प्लासी का शहीद मीर मदान, हाँ घनश्याम भाई कह रहे कोलकाता में हुई थी, अच्छा देखते हैं भाई। काल कोठरी की घटना कहाँ हुई थी जिसमें 143 में 123 लोग थे मर गए थे, अनुपम भाई ने लिखा कलकत्ता, चंदन जी लिख रहे हैं ए, मोइनुद्दीन भाई लिख रहे हैं डी, अखिलेश भाई भी लिख रहे हैं डी, डी वाले 4-5 लोग हो गए हैं भाई जिन्होंने डी कहा है, लक्ष्मी पटवा जी 6-6 हो गए हैं जिन्होंने डी कहा है कि कलकत्ता में हुई थी। काल कोठरी या ब्लैक होल की घटना कहाँ हुई थी बता दो भाई जरा, सारे लोग लिखते जाओ लिखते जाओ, लिख दो भाई। हाँ अंकिता पाठक जी ने लिखा मीर मदान सही है भाई, प्राची यादव जी ने लिखा कोलकाता में हुई थी। काल कोठरी की घटना ब्लैक होल की घटना कहाँ पर हुई थी जिसमें क्या किया गया था, काफी सारे लोगों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया था और यहीं पर क्या हुआ था, वो सारे लोग जो है उसके अंदर मर गए थे, केवल कुछ लोग जीवित बचे थे, उसमें ही एक ने सारी कहानी बताई थी कि ऐसा ऐसा मैटर था। मोहनलाल मीर मदान पूजा जी सही जवाब, बिल्कुल गाय जो काल कोठरी की घटना है ये आपकी कोलकाता में हुई थी, कलकत्ता में हुई थी, ठीक है कलकत्ता में आपकी काल कोठरी की घटना हुई थी, बिल्कुल सही जवाब है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब है ऑप्शन डी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, ये कथन किसने कहा कि प्लासी के युद्ध के बाद में भारत के लिए एक ऐसी रात शुरू हुई जो बहुत दिनों तक काली बनी रही, ये बात किस बंगला कवि ने कही है, नवीन चंद्र सेन, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर काजी नजरुल इस्लाम, ठीक है हाँ अंग्रेजी जो था वो भाग करके गया था उसी ने बताया था। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है लेकिन है आसान क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के बाद में शाश्वत दुख का उदय हुआ, किसने ये बात कही हुई है, क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान देंगे, नवीन चंद्र सेन, बंकिम चंद्र, पूजा जी लिख रहे हैं सी, धीरेन्द्र जी, इसके बाद में ज्योति जी लिख रहे हैं बी, अच्छा भाई बंकिम चंद्र चटर्जी काफी लोग लिख रहे हैं। गाइस जिस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए नवीन चंद्र सेन, भैया नवीन चंद्र सेन ने कहा था कि प्लासी के युद्ध के बाद में भारत के लिए शाश्वत काली रात का उदय हुआ, ये बात नवीन चंद्र सेन ने कही है जो एक प्रसिद्ध बांग्ला कवि है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, ठीक है ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा नवीन चंद्र सेन। अच्छा ये बताइए कि कौन सा इतिहासकार है जिसने 1765 से 1772 तक के काल को डाकुओं का काल कहा, हाँ धीरेन्द्र भाई ये सही जवाब है, राम प्रताप ये सही जवाब है, शिवम भाई बिल्कुल सही जवाब है, किसने डाकुओं का काल कहा, द्वैध शासन डाकुओं का काल किसने कहा है, हाँ 3 में ए होगा बिल्कुल सुजाता जी। क्वेश्चन नंबर 4 किसने द्वैध शासन डाकुओं का समय कहा है, जदुनाथ सरकार, के एम पानिक्कर, ताराचंद या फिर इनमें से कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न संख्या 4 याद रखना है, इस तरीके की चीजें जो है वो आपको याद रखना है। 4 में बी लिख रहे हैं, मोइनुद्दीन भाई ने लिखा है 4 में बी, घनश्याम जी ने भी लिखा है के एम पानिक्कर, ठीक है बताता हूँ गाइस, बिल्कुल के एम पानिक्कर साहब ने कहा है कि जो जो आपका द्वैध शासन का काल है ये डाकुओं का काल है, ये बात के एम पानिक्कर साहब ने कही हुई है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा गाइस। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग फेंस पॉलिसी यानी कि सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति ये किससे जुड़ी हुई है, वारन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, हेनरी लॉरेंस, के एम पानिक्कर, प्राची जी बिल्कुल सही जवाब, ममता वार्ष्णेय, ममता मौर्य जी लिख रहे हैं भाई कि इसमें जो है आपका बी होगा, बिल्कुल सही जवाब है भाई आपका बी होगा। अच्छा रिंग फेंस पॉलिसी कौन लाता है, हेस्टिंग, डलहौजी, लॉरेंस या फिर हेस्टिंग,
वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, हेनरी लॉरेंस या लॉर्ड हेस्टिंग? क्वेश्चन नंबर 5। कौन से हेस्टिंग की बात कर रहे हैं, वारेन हेस्टिंग या लॉर्ड हेस्टिंग? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। हेस्टिंग लिखने वाले सर, नेट बहुत लेट, बहुत आंसर हो रहे हैं कमेंट। अच्छा पूजा जी, अभी थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम होती है रात वाले सेशन में, इसलिए ऐसा होता है। बाकी दिन वाले सेशन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन रात वाले सेशन में कभी कभी दिक्कत होती है। शाम में जो ये सेशन हमारा होता है, यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम कभी कभी थोड़ा सा दिखाई देती है। तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करते रहेंगे तो फिर मुझे भी लगेगा कि सब ठीक है और वैसे ही है जैसे सब चलना चाहिए। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे जुड़ी हुई है, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, हेनरी लॉरेंस या फिर लॉर्ड हेस्टिंग? गाइज, पांचवें क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है वो आपकी वारेन हेस्टिंग से जुड़ी हुई है, ठीक है, वारेन हेस्टिंग। हाँ प्राची जी बिल्कुल सही जवाब, पूजा जी बिल्कुल सही जवाब, पूजा यादव जी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि के बाद में रॉबर्ट क्लाइव ने किसे मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनवाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, राकेश जी बिल्कुल सही जवाब था आपका भाई। इलाहाबाद की संधि के बाद में मुर्शिदाबाद का उपदीवान कौन बना था, प्रश्न संख्या 6। मोहम्मद रजा खान, राजा सिताब राय, राय दुलरब या फिर सैयद गुलाम हुसैन, प्रश्न संख्या 6। इलाहाबाद की संधि के बाद में, अच्छा राकेश जी लिख रहे हैं, इसके बाद में आपका शिवम भाई लिख रहे हैं, अच्छा घनश्याम जी लिख रहे हैं कि राय दुलरब को बनाया था, देखते हैं भाई, तीन लोगों ने जवाब दिया है फिलहाल तो। अच्छा मोहम्मद रजा खान, चार लोग हो गए भाई, लाइव सुजाता भाई पांच लोग हो गए जिन्होंने आंसर किया अभी, ठीक है देखते हैं। तो सुजाता जी ने भी ए आंसर किया है, पांच लोगों के कुल आंसर आए, और देखते हैं। ममता साहब का आया आंसर ए, ठीक है। राकेश जी ने लिखा है सी, चंदन जी लिख रहे हैं ए, अच्छा भाई 5, 3, 8 हो गए। इलाहाबाद की संधि के बाद में रॉबर्ट क्लाइव जो था इसने किसको उपदीवान बनाया था, राय दुलरब कुछ लोग लिख रहे हैं, लेकिन राय दुलरब सही जवाब नहीं है, सही जवाब है ऑप्शन ए मोहम्मद रजा खान। मुर्शिदाबाद का जो उपदीवान है वो किसे बनाया गया था, वो आपका बनाया गया था मोहम्मद रजा खान को, जबकि राय दुलरब लोग जो थे ये लोग बैंकर हुआ करते थे, ठीक है। कुछ कन्फ्यूज हूँ अनुपम भाई, कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए, मोहम्मद रजा खान को इन्होंने उपदीवान बनाया, राय दुलरब वगैरह जो थे ये लोग बैंकर हुआ करते थे, ठीक है। उस टाइम पे ये लोग क्या थे, बैंकर हुआ करते थे, पैसा जो है वो इसके लिए मनी लैंडर्स जो है ये हुआ करते थे। तो जो आपका राजा, सॉरी मोहम्मद रजा खान है, इनको इन्होंने क्या किया हुआ था, उपदीवान बनाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान बनाया था, क्वेश्चन नंबर 7। बिहार का नायब दीवान किसे बनाया था, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब जो आप क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चंस हैं, इनसे आपकी नॉलेज बहुत डीप होगी, जिसकी नॉलेज किसी को नहीं है उसकी नॉलेज अब आपको हो जाएगी जो ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर शिवम भाई ने सबसे पहले डी लिखा है, उसके बाद में पूजा यादव जी ने लिख करके भेजा है, अच्छा भाई राकेश जी डी लिख रहे हैं, मोइनुद्दीन भाई डी लिख रहे हैं, चंदन साहब डी लिख, कुल मिला के 1, 2, 3, 4, 5 लोगों का आंसर आ चुका है जिन्होंने डी लिख करके भेजा है। 5 आंसर आए हैं, 5ों डी आए हैं, 6 आंसर हो गए, 7 आंसर हो गए, 7 आंसर आए तो डी के आंसर आए हैं कि बिहार का नायब दीवान किसे बनाया था, ये मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान किसे बनाया था, 7 लोगों का आंसर आया है, बाकी लोग भी जवाब भाई जरा, बाकी लोग भी जवाब दें कि किसको जो है इन्होंने अपना नायब दीवान बनाया था। 7 लोगों ने कहा है राजा सिताब राय, और कोई है जो जवाब देना चाह रहा है कि किसको बिहार का, बिल्कुल बिल्कुल भाई दोस्तों बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो आप लोग, बिहार का जो आपका नायब दीवान था वो आपका राजा सिताब राय को बनाया गया था, ठीक है, राजा सिताब राय को बिहार का नायब दीवान बनाया गया था। बहुत अच्छे भाई गाइज, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किसने दिया था, रणजीत सिंह को सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किसने दिया हुआ था, शाह शुजा, जमा शाह, दोस्त मोहम्मद या शेर अली? महाराजा रणजीत सिंह को जो सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा था वो किसने दिया था भाई, मुझे भी ला के कोई गिट्टी दे दो, पत्थर दे दो कोई, कोहिनूर हीरा इनको दे दिया किसी ने, तोहफे में वो भी दे दिया, तोहफे में सड़ा, तो इनको कोहिनूर हीरा मिल गया भाई, बाकायदे देखो कोहिनूर हीरा तक लोगों ने दे दिया इनको। तो भाई कोहिनूर हीरा किसने दिया था इनको, नाम बताओ उसका, किसने दिया कोहिनूर हीरा, रणजीत सिंह को सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किसने दिया, शाह शुजा ने, जमा शाह ने, दोस्त मोहम्मद ने या शेर अली ने? जो हमारे रणजीत सिंह जी थे इनको, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 था, बिल्कुल दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 8 आपका था, प्रश्न संख्या जो आपका 8 था,
प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब है ऑप्शन ए शाह सुजा। अनुपम भाई बिल्कुल सही भाई, इस बार मैं चैट नहीं पढ़ पाया, प्लीज एक बार आप लोग फिर से लिख दो, जिसने जो जवाब दिया वो लिख दो कुछ ऑप्शन, इसका 8 का सही जवाब था ए, एक बार फिर से टाइप कर दो जरा। पूजा यादव जी ने लिखा है भाई ए बिल्कुल सही जवाब, सारे लोग लिख दो मैं नाम पढ़ दूं, ऑप्शन ए सही जवाब है शाह सुजा, आप लोग एक बार लिख दो मैं आप लोगों का नाम पढ़ दूं भाई, बिल्कुल जो नाम आप लोगों को छूट गए हैं भाई, किसने किसने ए चुना हुआ था, 8 में ए लिख करके भेज दो भाई, सारे प्यारे प्यारे लोग 8 में। हाँ चंदन भाई बिल्कुल, इसके बाद में शिवम भाई आपका, सुजाता जी, प्राची जी बिल्कुल सही भाई, ज्योति जी बहुत अच्छे, राकेश भाई बहुत अच्छे, घनश्याम जी वेरी गुड, शाह सुजा, रणजीत सिंह ने शाह सुजा, सीरा पाता, लक्ष्मी पटवा बहुत अच्छे, धीरेन जी बहुत बढ़िया शाह सुजा, बाकी लोग भी नाम टाइप कर दो भाई अपना। अरे कम से कम इसी बहाने आपका नाम मेरे होठों पे आ जाएगा भाई, बिल्कुल लिख दो भाई, क्लास कब तक चलेगा, बस खत्म है चंदन भाई, लास्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बचे हैं, इसके बाद बिल्कुल छुट्टी हो जाएगी, घंटी बजेगी, बस खाने की तरफ भाग लेना। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रिटिश जनरल जिसने, हाँ प्रभात भाई बिल्कुल सही, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्ट नोवा के युद्ध में हराया था, ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्ट नोवा के युद्ध में हराया था वो कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर बिल्कुल आसानी से, कैप्टन पीपो सॉरी पैप हेम, कैसा नाम इसका, पॉप पॉप हेम, अच्छा पॉप हेम, आयर कूट, हेक्टर मुनरो या फिर जनरल गोडाई, अलग नाम रखते हैं, थोड़ा सरल नाम रखो, जबान टेढ़ी हो जा रही है हम लोगों की। क्वेश्चन 9 गाइज, हैली को पोर्ट नोवा के युद्ध में किसने हराया था, सर आयर कूट लिख रहे हैं मिश्रा साहब, ठीक है, सुजाता जी लिख रहे हैं कि 9 में ए होगा, अच्छा भाई अलग अलग जवाब दे रहे हो आप लोग, बिखरे बिखरे जवाब, शिवम भाई ने लिखा है बी, अच्छा भाई, धीरन जी ए, राकेश जी भी, अरे वाह भाई ए और बी में कन्फ्यूजन चल रहा, ज्योति जी ने लिखा आयरकूट, अच्छा भाई सर आयरकूट, अब ये सर उनको बोल रहे हो कि मुझे बोल रहे हो, कन्फ्यूजन तो मुझे ये भी हो रहा है, एक अगर मुझे सर बोलना होता तो आप लोग क्या लिखते, सर सर आयरकूट हाँ सर आयरकूट, अच्छा ये सर भैया उनके लिए है कि मेरे लिए, जिसने जिसने सर लिखा है, दो बार सर लिखते भाई आप लोग तो मुझे पता चलता कि एक उनका सर है एक मेरा सर है, इसमें ये सर किसका है, मेरा सर है एक उनका सर है, बस सर मेरा ही जवाब बिखरा था, कोई बात नहीं सुजाता जी, थोड़ा सा जवाब बिखर जाता है तब भी अच्छा लगता है, मजा आता है, अच्छा आपके लिए नहीं था ज्योति जी, ठीक है मेरे लिए नहीं था तो कोई बात नहीं भाई, उनका सर था तब ठीक है, ये सर आयरकूट साहब का था, मेरा सर नहीं था, मेरा सर मेरे सर पे है, मेरा सर मेरे सर पे, अच्छा आपका इस्माइल सर, थैंक यू सो मच धीरेन्द्र भाई, थैंक यू, इस्माइल बड़ी प्यारी है अब दुपट्टा नहीं है मेरे पास भाई, क्यों शर्मा रहे हो मुझे आप लोग, ऐसे आप लोग मतलब बात कर देते हो मैं शर्मा जाता हूँ एकदम अकेले अकेले बैठ के, अब मैं एक दुपट्टा की व्यवस्था करता हूँ, पहले तो शर्माने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए ना, सर जी आपके लिए थैंक यू सो मच, ओके स्तुति जी थैंक यू सो मच। तो गाइज जो ये क्वेश्चन था हम लोगों का वो ये था कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्ट नोवा के वार में हराया, मैंने गोरों को सर कभी बोला ही नहीं, बोल ही नहीं सकता, थैंक यू चंदन जी, जय हिंद जय भारत, मास्क है ना, अच्छा सुजाता जी मास्क में शर्माते कैसे, वो तो छींकने के लिए होता है, दिख तो रहे नहीं है आप सर, अरे आप नहीं देख रहे हो ना लेकिन मैं तो देख रहा हूँ आपको, आपको आवाज सुनाई दे रही लेकिन आपका जो लिख के आता ना तो मुझे तो पता चलता है ना आप मेरे लिए लिख रहे हो, तो इतनी फीलिंग में आता ही है जब आप मेरे आंसर्स चुराने लगे, आप लोग मेरे क्रॉस क्वेश्चंस चुराने लगे, आप लोग क्रॉस क्वेश्चन के क्रॉस क्वेश्चन चुराने लगे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई कि आप लोग सारी चीजें जान जाते हो, दिल की बात पकड़ लेते हो मेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे, ये बताना है आपको धीरेन्द्र भाई, हाँ बिल्कुल हम जानते हैं आप लोग दिल की बात जान जाते हो मेरे, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे, हरि सिंह नलवा, खड़क सिंह, शेर सिंह या फिर नौनिहाल सिंह, ये सारे इनके उत्तराधिकारी थे, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था आपको ये बताना है, खड़क सिंह, शेर सिंह, बदन सिंह, नौनिहाल सिंह, ये सब लोग आते हैं, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह के जस्ट बाद में कौन आता है, राकेश भाई ने सबसे पहले लिख करके भेजा है बी, अच्छा देखते हैं भाई, एक जवाब आया है बी का, महाराजा रणजीत सिंह के समय में नलवा, ये कह रहे हैं कि नलवा जो थे वो थे नहीं, नलवा तो नहीं थे फिलहाल जहां तक मेरा मानना है, नौनिहाल सिंह कोई लिख रहा है, ये सारे थे, लेकिन गाइस जो महाराजा रणजीत सिंह जी थे इनके जस्ट बाद में आपका चंदन भाई बी लिख रहे हैं, धीरेन्द्र भाई बी लिख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खड़क सिंह थे, देखिए मोहिनुद्दीन भाई बी लिख रहे हैं कि खड़क सिंह जो थे वो बिल्कुल, महाराजा रणजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी गाइस थे आपका प्राची यादव जी लिख रहे हैं खड़क सिंह, बिल्कुल भाई, शिवम भाई लिख रहे हैं कि खड़क सिंह, बिल्कुल, पूजा जी लिख रहे हैं खड़क सिंह, बहुत अच्छे भाई, नौनिहाल सिंह गड्डी मिली लेकिन खड़क सिंह थे, अच्छा नौनिहाल सिंह को गद्दी मिली थी लेकिन जो है यहाँ पे ये खड़क सिंह थे बने, अच्छा ठीक है ओके, उत्तराधिकारी ज्योति जी ने बी लिखा है भाई, बिल्कुल खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खड़कियां, खड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, कौन कौन ये बोल लेता है भाई,
क्यों? नहीं, ये तो मेरे में फलो फलो में निकल गया, लेकिन जिस दिन मुझसे किसी ने बुलवाया था मैं भी नहीं बोल पाया था इसको। यही होता है जब आप अंडर प्रेशर होते हो ना, तो कोई चीज आप जो आता भी है वो नहीं बोल पाते हो आप। अब देखो आज मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, फर्जी में बोल रहा था तो मैं बोल ले गया पूरा। अच्छा आप लोग बोल लेते हैं खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। विक्रांत भाई प्रणाम है, हाथ जोड़ के करबद्ध प्रणाम है भैया, आपको करबद्ध प्रणाम है। मैं बोल लेता हूँ धीरेंद्र भाई। अच्छा मैं भी बोल लेती हूँ, प्राची यादव जी लिख रहे हैं। अच्छा भाई, अच्छा ये बताओ दोस्तों, आज आधुनिक भारत की क्लास आपको कैसी लगी? ज्योति जी अच्छा ठीक है, मैं ये सब बोलने में एकदम सही हूँ कितना भी कठिन हो। अच्छा सुजाता जी, नहीं आपको तो अभ्यास हो गया होगा ना, ये बात सिर्फ आप ही समझ पाएंगे कि मैंने ऐसा क्यों बोला है। लक्ष्मी पटवा जी लिख रहे हैं मस्त। अच्छा आज का क्लास का क्वेश्चन लेवल कैसा था भाई, एंजॉय आप लोगों ने किया कि नहीं किया? देखो एक मैं ऐसी भी क्लास रख सकता हूँ जिसमें मैं बहुत सरल सरल, बहुत मजा आया। थैंक यू चंदन भाई, बिल्कुल अनुपम भाई थैंक यू। गाइस देखो मैं सरल सरल क्वेश्चन भी रख सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि सरल और कठिन दोनों मिला करके रखा जाए। इससे क्या होगा ना कि जो सरल सरल सवाल होंगे आपके, हाँ विक्रांत भाई यार थोड़ा आप लेट हो गए, तो जो सरल सवाल होंगे वो आपको क्या देंगे, कॉन्फिडेंस देंगे, और कठिन सवाल आपको नॉलेज देंगे, है ना। देखो पूजा जी क्या है कि जो सरल सवाल है, सरल सवाल सही करके आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और कठिन सवाल से आपको नॉलेज मिलेगा। तो आप कॉन्फिडेंस और नॉलेज तब मिलेगा जब कठिन और सरल सवाल, बहुत सी नई बातें सीखने को मिली। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, ठीक है ओके धीरेन्द्र भाई थैंक यू सो मच। राकेश भाई लिख रहे हैं सर आज मैं लेट ज्वाइन किया लेकिन क्वेश्चन बहुत नए थे। ठीक है राकेश भाई थैंक यू सो मच, मेरी पूरी कोशिश रहती है। इजी टू मॉडरेट, ठीक है ओके अनुपम भाई ओके। सरस्वती जी ने कुछ लिख करके भेजा, दिखे लिखा है अच्छी थी सर, मैं आप सबके बीच में नहीं हूं, मैं यूपी के मणिपुर से हूं। भाई प्राची यादव जी का सब लोग स्वागत कर लो भाई, प्राची यादव जी परिवार का नया हिस्सा है। प्राची यादव जी हम सब एक परिवार की तरह हैं, एक छोटे से परिवार की तरह, जहां पर हम बैठ करके घंटे डेढ़ घंटे दो घंटे साथ में कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं, साथ में कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा उसमें एंजॉय करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं और पढ़ते भी रहते हैं एक दूसरे के साथ में, जो है थोड़ा थोड़ा बस ऐसे सब चलता रहता है। पूजा यादव जी देखिए आप लोग जितने भी लोग नए जुड़े हैं, तो मुझे बार बार कहने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो लोग भैया नए जुड़े हैं वो लोग वो लाल लाल बटन सब्सक्राइब वाला होता है ना, उस पर क्लिक कर लेना, उंगली मार लेना तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। बगल में बेल आइकन वाला सिस्टम होता है, उसको दबा के घंटी चालू कर लोगे तो मैं जब भी लाइव आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मोबाइल खुद भाई खुद बता देगा कि लाइव आ चुके हैं। भाई सब लोग आ जाइए, ठीक है केबुल लमजाओ लोकटक मणिपुर अनुपम भाई वेरी ग्रेट सब बात, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई रिवीजन वालों जिंदाबाद। तो और दूसरी चीज ये है कि जो आपका क्या है कि क्या बोलते हैं आपकी 12 बजे दोपहर से लाइव क्लास होती है, एक क्लास आपकी होती है शाम को 8 बजे। तो डेली दो क्लासेज होती हैं, एक आपकी होगी जो पूजा जी 12 बजे से होगी दोपहर में, और शाम 8 बजे से लाइव क्लास होगी। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे जुड़े रहेंगे तो सब जानकारी मिल जाएगी। बाकी भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भाई जितने भी लोग जुड़ते हो ना थोड़ा चैनल को और शेयर कर लेना यार, थोड़ा चैनल को शेयर कर लोगे तो एक भी बंदे को जोड़ लोगे ना आप, तो परिवार थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। लेकिन उन लोगों को ही जोड़ना भाई जो लोग सीरियस हो पढ़ाई को लेकर, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, मतलब फर्जी की भीड़ नहीं इकट्ठी करनी है। 20 लोग हैं, मैं बहुत हैप्पी हूं, हम कम से कम पढ़ रहे हैं, सबका नाम ले रहे हैं, सबके साथ में डिस्कस कर ले रहे हैं। मैं भी पूजा जी थैंक यू सो मच, प्रभात भाई थैंक यू। तो इतने ऐसे लोगों को जोड़ना जो सीरियस हो, परिवार का हिस्सा हो, खास दोस्त हो, उनके साथ में हम डिस्कस करेंगे, जिनके साथ में डिस्कस करने में मजा है, जहां पे क्रॉस क्वेश्चन में मजा है। एकमात्र तैरता हुआ उद्यान, आपने तो भैया ये अपना नाम उर्दू या अरबी में लिख रखा है। भाईजान मुझे उर्दू और अरबी बहुत अच्छी लगती है लेकिन मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, आप सिखाओगे तो मैं पढ़ना जरूर चाहूंगा भैया आपका जो भी नाम हो, लेकिन मैं पढ़ना जरूर चाहूंगा, मैं बहुत सीखना चाहूंगा। टाइमिंग बता दीजिए, पूजा जी कह रहे हैं तो आपकी 12 बजे दोपहर से और शाम 8 बजे। पूजा जी दोपहर 12 बजे से और शाम 8 बजे से। मोइनुद्दीन जी थैंक यू सो मच, मोइनुद्दीन जी आप परिवार से जुड़े मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं मैं भूल गया हूँ, अगर आपने बताया होगा या शायद मैंने आपसे अभी तक पूछा नहीं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। और अदर स्टेट वाले लोगों की खास जिम्मेदारी है कि वो अपने राज्य से और लोग जोड़ें, जैसे खास तौर से जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, झारखंड के लोग हैं। भैया जी आप अपना नाम बड़े भाई बताएंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा और मैं आपकी भाषा सीखना भी चाहूंगा। मोहम्मद अशरफ लिखा है उर्दू में, अरे वाह कोई बड़ा जानकार है। अच्छा मोइनुद्दीन भाई बता रहे हैं, अशरफ भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका, मोहम्मद अशरफ भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका, गोरखपुर यूपी से। अपने यूपी वाले भाई अपने अपने जिले से एक आधे बंदों को जोड़ना, और अदर स्टेट वालों की खास जिम्मेदारी है जो लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं या उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, आपका यहाँ एमपी से बिलोंग कर रहे हैं, बिहार से, झारखंड, छत्तीसगढ़ वाले हैं, आसाम वाले हैं, ये लोग भाई जोड़े हैं। मोहम्मद अशरफ है जी बिल्कुल सर, अशरफ भाई बहुत बहुत स्वागत है परिवार में आपका। आप ज्योति कुमारी कह रहे हैं यूपी से, नहीं आप मधुबनी बिहार से हो मुझे मालूम है।
तो आप जो ये लोग हैं अच्छा बनाते हैं, वाह भाई वाह, देवों की धरती बनारस भाई, विक्रांत भाई बहुत अच्छे भाई। परिवार में विक्रांत भाई कुछ और लोगों को जोड़ना, आप बनारस से जुड़े हैं, बनारस तो बड़ा ज्ञानी लोगों का शहर है, कभी बहुत आसान है सीखना। अरे भैया मैं जरूर सीखना चाहूंगा। विक्रांत भाई कभी आपका भी इंटरव्यू करेंगे तो बनारस में सीखेंगे थोड़ा सा, फिर बनारस वाला पान खा के चर्चा करेंगे। मैं यही खा लूंगा अपने लखनऊ वाला, आप बनारस वाला खाना, फिर कुछ चर्चा करेंगे। तहजीब पे चर्चा होगी, कुछ सामे अवध पे चर्चा होगी जो हमारे यहाँ पे होता है, और कुछ चर्चा होगी यहाँ पे तहजीब पे और बाकी सारी चीज़ों की। मैं अयोध्या से हूँ भाई, वाह भाई शुभम शुक्ला साहब, आप तो बड़ा दैवीय भूमि पर रह रहे हैं शुक्ला जी। तो चलिए गाइज, ये थी आज की आपकी पूरी की पूरी सेंस। अब आपको कैसे जोड़ना है, बस चैनल पे जाना है, चैनल का कोई भी वीडियो शेयर कर देना है, या फिर अपना जो हमारा ये चैनल का लिंक है एक दिन आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देंगे तो भी बहुत सारे लोग जो आपसे जुड़े होंगे वो जुड़ जाएंगे। तो चैनल से आप क्या कर सकते हैं, चैनल का लिंक आप कहीं पे भी शेयर कर देंगे, किसी के भी पास शेयर कर देंगे, अपनों के शेयर कर लेंगे या व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लेंगे, किसी स्टेटस पे लगा लेंगे तो और परिवार जो है वो हमारा जुड़े। अनुपम भाई कह रहे हैं बनारस में गोखले कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, 1905 में अधिवेशन हुआ था। बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया भाई। कभी झारखंड आइएगा तो कॉल कीजिएगा सर। धीरेंद्र भाई बिल्कुल आऊंगा, बिहार जे मुझे देना, बिहार एपीओ, सॉरी बिहार एपीओ मुझे देना है, बिहार एपीओ देने आऊंगा तो फिर उधर झारखंड जरूर आऊंगा। तो फिर बिहार झारखंड उधर से और छत्तीसगढ़ वालों से मिलने चलेंगे, आपको झारखंड से लेके फिर चलेंगे छत्तीसगढ़, वहां पे मिलेंगे देखेंगे। तब तक कोई उड़ीसा का भी एक आधा ढूंढ लेते हैं, तो उड़ीसा से भी किसी को ढूंढ लेंगे तो उनको भी साथ में लेके चला जाएगा, ठीक है। वहां उड़ीसा तक फिर चलेंगे, उधर पूरा घूम के आएंगे, उत्तरी सरकार देख के आएंगे, पूरा का पूरा उत्कल तट देख के आएंगे, चिल्का झील वगैरह देख लेंगे, और उड़ीसा के जो दो टाइगर रिजर्व है सिमलीपाल और सतकोसिया वहां थोड़ा बहुत घूम लेंगे। तो इस टाइप से पूरा उधर का घूम के आएंगे, वहीं से फिर करेंगे लाइव, वहीं उसी में बैठ के लाइव करेंगे सतकोसिया टाइगर रिजर्व से। बिहार में मैं रिसीव कर लूंगा सर, चंदन भाई थैंक यू सो मच, चंदन जी आऊंगा उधर से, आएंगे तो फिर बिहार से आपको लेके चलेंगे, उधर फिर झारखंड चलेंगे, झारखंड से छत्तीसगढ़ चला जाएगा, और हाँ उधर से फिर छत्तीसगढ़ से उड़ीसा तक चला जाएगा, ठीक है। उधर उड़ीसा तक इतना रखा जाएगा, और इतना रेलवे इतना सस्ता है गाइज, हम जितना सोचते हैं कि जितना जितना महंगा पड़ेगा, कॉस्टली पड़ेगा टूर, इतना महंगा है नहीं, क्योंकि जो हमारा रेलवे के थ्रू कन्वेंस है या हमारा आने जाने का जो है उसमें इतना खर्च नहीं है कि उसको हम अफोर्ड ना कर पाए। तो रेलवे के थ्रू हम कहीं भी आ जा सकते हैं, वो अफोर्डेबल है, सबके लिए अफोर्डेबल है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें कि कोई बहुत ज़्यादा मतलब कास्टली है कि हम कोई डॉलर में पैसा चाहिए हमें, इससे भी काम चल जाएगा, तो उसमें कोई कोई ऐसी खास समस्या नहीं है, बिल्कुल ठीक है गाइस। तो ये आज की क्लास थी, कल दोपहर 12 बजे आप सबका फिर से इंतजार रहेगा। आपके कोई सुझाव हैं, आपकी शिकायतें हैं, आपके कोई टॉपिक्स हैं या आपके कुछ सिलेबसेज हैं, उनको आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पर के माध्यम से फिर आप मुझे पर्सनल मैसेज करके शेयर कर सकते हो, वीडियोज में भी कमेंट करके बता सकते हो, जिस भी टॉपिक पर डिस्कशन करना है। कोई भी आपके क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन एक दिन पहले आप भेज दोगे, नेक्स्ट क्लास में मैं आपके क्वेश्चन को क्लियर कर दूंगा, आपकी क्वेरीज को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब आप सारे लोग जाइए, खाना खाइए, अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए, और इसके बाद में जो कोरोना पैंडेमिक है इससे सारे पूरे के पूरे समाज को बचा करके रखिए, अपनी जिम्मेदारी का अच्छी तरीके से निर्वाह कीजिए, और आखिरी में मेरी हमेशा की तरह से टैगलाइन, हम होंगे कामयाब एक दिन। हैव अ नाइस नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, थैंक यू सो मच।